है बहुत डिस्कस किया। क्यों? जी सर। यस सर। यस माउस हम सर। लोग जान गए, दो तरह के माउस आजकल आ रहे हैं, कौन कौन से? एक नॉर्मल ऑप्टिकल माउस और एक लेजर वाला लेजर। माउस। लेजर वाला वाला तो लेजर वाला जो होता है वो ज्यादा फास्ट होता है, हाँ वो गेमिंग के लिए होता है। गेमिंग के लिए होता है। और माउस में भी देखो कुछ भी खराब होने वाला पार्ट नहीं होता है ज्यादा, आप उसको पटकोगे इधर उधर गिराओगे तभी वो खराब होगा। देखो क्या कह रहा है, माउस कैन गिव प्रॉब्लम्स इफ नॉट हैंडल्ड विथ केयरफुली। कि माउस में भैया कुछ भी जल्दी खराब और आप नहीं होता है। इस पे भी आपको क्या नहीं करना, कोई लिक्विड या कोई भी दूसरा पदार्थ गिराना नहीं है। बस देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है माउस में, माउस में प्रॉब्लम यह आती कि इसका कर्सर प्रॉपरली मूव करना बंद कर देता है। समझ गए? तो कर्सर प्रॉपरली मूव करना बंद करेगा कब? जब आप माउस को पटके उठकेंगे। अगर प्रॉपर ऐसे नॉर्मली केयरफुली चलाएंगे, उसका सब कुछ प्रॉपर रखेंगे तो कुछ खराब नहीं होगा उसमें। ठीक है, यस सर। बाकी खराब हो जाएगा तो रिपेयर होगा नहीं, चेंज करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सस्ता आता है। यस। कॉर्डलेस माउस आप जान ही गए, उसमें क्या दिक्कत आएगी भाई? बैटरी चार्ज नहीं रहेगी तो आपका काम करना बंद कर देगा, यस सर। या उसका रिसीवर प्रॉपरली नहीं कनेक्ट करेंगे सिस्टम से, जो नैनो रिसीवर है तो नहीं काम करेगा। और अगर आप मान लीजिए किसी सिस्टम में माउस लगा रहे हैं और वो माउस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, मतलब डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप सिस्टम को क्या करिए, एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए या एक बार माउस को दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर दीजिए, तो वो क्या होने लगेगा, डिटेक्ट होने लगे। डिटेक्ट होने लगेगा। बाकी माउस के लिए अलग से ड्राइवर वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं। बाय डिफॉल्ट इसका ड्राइवर इंक्लूडेड रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो माउस को आपको अगर आप केयरफुली हैंडल करेंगे या कोई भी यूजर केयरफुली हैंडल करेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, बाकी ट्रबल शूटिंग यही है कि कॉर्डलेस माउस है तो उसकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, और अगर सिस्टम यस में सर। आप और अगर आप सिस्टम में क्या कर रहे हैं, अगर आप सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है माउस, तो उसको क्या करिए, एक बार निकालिए फिर से लगा दीजिए, या या फिर तो रिस्टार्ट सिस्टम कर को क्या दीजिए। रिस्टार्ट। करिए, रिस्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जी सर। इतना आ गया समझ में? यस सर। सर 9 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। हाँ 9 मिनट में एंड हो जाएगी, फिर लिंक भेजेंगे नई आईडी से। ठीक है, ठीक अब आगे देखो यार, एक आईडी पे एक ही मीटिंग करने दे रहे हैं सब, पहले पूरा दिन दे देते थे। अब आगे देखिए, अदर इनपुट डिवाइस। अदर इनपुट डिवाइस में क्या कह रहा है, बार कोड रीडर आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल वगैरह में कभी गए होंगे सर। तो यस बार सर। कोड रीडर यूज होता है। बार कोड रीडर अभी हम आपको दिखाएंगे। फिर बायोमेट्रिक मशीन आपने देखी होगी, आईसीए में भी लगी हुई है। जी सर देखे हैं यस सर। जो फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना वही ना। हाँ, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, बायोमेट्रिक मशीन जो होती है, आप ये कई जगह देखेंगे आजकल, इस आपके फोन में भी आ रहा है, यस होता है सर। ना फिंगरप्रिंट लॉक करने के लिए, यस यस सर। जी वो भी बायोमेट्रिक ही कहलाता है, वो भी बायोमेट्रिक ही है। इसका टच स्क्रीन आप फोन में चला ही रहे हो, टच स्क्रीन। सर। तो ये सब क्या है, बारकोड रीडर, बायोमेट्रिक डिवाइस, टच स्क्रीन, और ये स्टाइलस या डिजिटाइजर जो पेन आता है, जो ये डिस्प्ले सब लिखते इनपुट हैं डिवाइसेस है। ये सब क्या है, इनपुट इनपुट डिवाइस। डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस समझ रहे हैं ना, जिससे आप क्या करते हैं, डेटा को इन करते हैं डेटा कंप्यूटर। इन करते हैं। आज यार बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट हो गए, 20 लोग। यस सर। पहली बार सर। यस कोई नया तो नहीं दिख रहा है इसमें? सर। आदित्य राव, सोनू यादव, अब्दुल मलिक, कोई नया तो नहीं दिख रहा है? चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो बहुत अच्छी बात है ये। क्लास प्रॉपर करिए भैया, अभी हार्डवेयर जब खत्म करेंगे ना तो नेटवर्किंग शुरू करेंगे, तो नेटवर्किंग में बहुत मजा आता है। ठीक है,
सर गुड यस सर। अब आगे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जो होता है इसको बारकोड स्कैनर भी बोलते हैं, और इससे क्या किया जाता है, बारकोड को स्कैन किया जाता है। बारकोड क्या होता है जानते हैं सब लोग? यस सर। जी सर। बारकोड आप देखे होंगे, कई सारे प्रोडक्ट होते हैं उसमें बारकोड लगा रहता है। यस सर। देखो मैं दिखा रहा हूँ बारकोड क्या होता है। बारकोड देखो, ऐसे बारकोड आते हैं, आपने देखा होगा। यस सर, आजकल हर प्रोडक्ट पे आ रहे हैं। हाँ, हर प्रोडक्ट पे आता है ये। क्यों आता है? क्योंकि इस बारकोड के अंदर उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल होती है। यस सर। उसका MRP वगैरह सब होता है। आजकल कई तरह के कोड आते हैं, QR कोड, बार कोड, ठीक है। यस सर। ये बारकोड स्कैन करने के लिए आपके मोबाइल में भी दिया रहता है। यस सर। और बारकोड स्कैनर एक देखो ऐसी डिवाइस आती है, बारकोड स्कैनर आप मॉल वगैरह में देखोगे तो जरूर होती है ये। यस सर, होता। तो इससे क्या किया जाता है ना, बिल उल बनाने का काम आता है। यस सर। समझ रहे हो? यस। जैसे मान लो मॉल वॉल में भाई बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट की एंट्री करने के लिए, उस प्रोडक्ट की एंट्री करने के लिए बारकोड का यूज होता है। कंप्यूटर के अंदर प्रोडक्ट की एंट्री करने के लिए, और प्रोडक्ट जब बिक रहा होता है तो उसकी आउट करने के लिए उसको, कि भैया ये सेल हो रहा है, तो सेलिंग के टाइम भी इसका यूज आता है, और जब एंट्री कर रहे होते हैं तो भी यूज आता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि भैया जो बारकोड स्कैनर होता है या जो बारकोड रीडर होता है, इसका काम क्या होता है, बारकोड को रीड क्या करना, बारकोड को रीड करना। हाँ, बारकोड को रीड करना। आप किसी भी चीज का बारकोड बना सकते हो, समझ गए? Yes. आप चाहो ना तो अपने नाम का भी बारकोड बना सकते हो, तो उसको अगर आप बारकोड स्कैनर से स्कैन करोगे तो आपका नाम लिख जाएगा। देखो यहाँ बारकोड जनरेटर आते हैं, बारकोड जनरेटर, तो आप किसी भी चीज का क्या कर सकते हो, बारकोड जनरेटर, बारकोड बना, समझ गए? जैसे मान लो हम यहाँ अपना नाम लिख दिए, दुर्गेश सिंह, और अब हमने फिर क्या किया, क्रिएट किया, तो देखो क्या बन गया, बारकोड, बारकोड बन गया। कोई बारकोड स्कैनर से इसको जब स्कैन करेगा तो क्या लिखेगा, दुर्गेश सिंह। हाँ, दुर्गेश सिंह, समझ गए? इसी तरह हर एक प्रोडक्ट पे बारकोड लगा दिया जाता है, उसका MRP, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका नाम, उसकी सारी इंफॉर्मेशन बारकोड में डाल दी जाती है। तो जब हम लोग बारकोड स्कैन करते हैं ना बारकोड स्कैनर से, तो वो बारकोड से क्या कर लेता है, पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। क्लियर हुई बात? ठीक है। यस सर। देखो दिखा रहे हैं तुम लोगों को बारकोड कैसे काम करता है, बारकोड स्कैनर करेगा क्या ये, समझो। देखो ध्यान दो, ये आपको स्कैन करके दिखाएगा। देखिए करने के लिए कैसे ये पूरा डेटा आप मैनेज करेंगे और कैसे उसे एक्सेस करेंगे, देखो समझो, कि कैसे आप एक बारकोड स्कैनर यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए और अपने कस्टमर्स को एक मेंबरशिप कार्ड प्रोवाइड करने के लिए, कैसे ये पूरा डेटा आप मैनेज करेंगे और कैसे उसे एक्सेस करेंगे। तो मान लीजिए हमारे सामने एक कस्टमर आया है और वो बोल रहा है मुझे ये प्रिंटर परचेज करना है, ये प्रिंटर मुझे दे दीजिए। समझ गए? यस सर। अब ये प्रिंटर मान लीजिए आप खरीदने गए, तो आप प्रिंटर देखिए कैसे क्या करेगा ये, तो आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट ओपन किया है, आप अपना टैली, व्यापार सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी दूसरा जो भी बिलिंग सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे यूज करेंगे उसको यहाँ ओपन कर लीजिए और बारकोड स्कैनर को इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए। USB से नॉर्मल कनेक्शन है, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है बारकोड के लिए। तो आप यहाँ लेंगे और यहाँ पे जो भी बारकोड आपको दिख रहा है, देखो यहाँ बारकोड बने हुए हैं। यस सर। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या बने हुए हैं, बारकोड, यहाँ देखो बारकोड्स बने हुए हैं, ये देखो ध्यान दो। यस सर। ये देखो ये बारकोड्स बने हुए हैं ये। यस सर। तो ये बारकोड में है क्या,
बार कोड में है इस प्रोडक्ट की डिटेल कि इस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर क्या है, इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या है, इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ये सारी डिटेल किसमें रखी गई है? बार कोड में, समझ गए? अब देखो ध्यान दो। तो आप यहाँ लेंगे और यहाँ पे जो भी बार कोड आपको दिख रहा है उसे इस तरह से स्कैन कर लेंगे। जैसे आपने यहाँ पे सीरियल नंबर पे टच किया, अब यहाँ पे क्या लिख जाएगा? इसका सीरियल नंबर आ जाएगा। अब इससे आपका फायदा क्या होगा कि आपको देख देख के एक एक सीरियल नंबर क्या नहीं करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, काम तेज हो जाएगा आपका। समझ गए? बारकोड समझ में आया किस लिए यूज होता है? ताकि आप प्रोडक्ट की एंट्री तेजी से कर सके और प्रोडक्ट जब बेच रहे हो तो उसका बिल जल्दी निकाल सके। वहां पे ऑटोमेटिक टाइपिंग हो गई है, एक बार वापस करके दिखा रहा हूँ। दिख रहा है? देखो मैं बार बार स्कैन कर रहा हूँ तो वो आइटम बार बार ऐसे एंट्री होता जा रहा है एक्सेल शीट के अंदर। समझ गए? इस बार कोड स्कैनर को कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, ये अपने आप से ही काम करता है, बस आपको पेन ड्राइव से कनेक्ट करना है। तो ये तो हो गया कि सीरियल नंबर कैसे लाएंगे, बारकोड को सीरियल नंबर में सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आपका कस्टमर बोलता है सर, अब सर बिलिंग का काम फास्ट होगा। हाँ, बारकोड से आपको प्रोडक्ट की एंट्री करना आसान हो जाएगा, प्रोडक्ट का बिल निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको सीरियल नंबर वगैरह जो बड़ी बड़ी इंट्रीज करनी होती ना, जैसे सीरियल नंबर उम्बर आप कभी भी देखिए तो काफी बड़े बड़े होते हैं। यस सर। तो सीरियल नंबर वगैरह अगर आप ऐसे मान लो आपके पास 1000 पीस आया कोई प्रोडक्ट, अब आप अगर 1000 पीस का सीरियल नंबर एंट्री करने बैठ जाओ कीबोर्ड लेके, तो पता चले गंजे हो जाओगे। यस सर। है कि नहीं? यस सर। क्या बनाया गया उसके लिए? एक डिवाइस और उसके लिए क्या बनाए गए? बारकोड्स बनाए गए। बारकोड। तो आप बारकोड स्कैनर से क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रोडक्ट की एंट्री स्कैन कर सॉफ्टवेयर में और प्रोडक्ट जब सेल हो रहा हो तो उसका बिल निकाल सकते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर से। यस सर। क्लियर हुई बात? बारकोड क्या है? बारकोड स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो बारकोड को स्कैन करके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर में या आपकी एक्सेल शीट में क्या कर देता है, लिख देता है ऑटोमेटिक। तो इससे हमारा काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। अभी आप इस वीडियो में देखो कैसे क्या होगा। सकते हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए और अपने कस्टमर्स को एक मेंबरशिप कार्ड प्रोवाइड करने के लिए। कैसे ये पूरा डेटा आप मैनेज देखो, या फिर कोई भी दूसरा जो भी बिलिंग सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे यूज करेंगे उसको यहाँ देखो क्या बता रहे हैं महाशय, कि भैया आपको बारकोड स्कैनर यूज करने के लिए कोई ड्राइवर वगैरह की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, स्कैन कनेक्ट कर देना। आपको बस USB पोर्ट से कनेक्ट कर देना है और अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर खोलना है। आपका जहां पे भी कर्सर रहेगा ना, कर्सर, जी सर, मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ रन पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे रख के अगर बारकोड स्कैनर से स्कैन कर दोगे तो यहीं पे उसका पूरी डिटेल लिख जाएगा। यस सर। क्लियर हुई बात? तो जिस भी सॉफ्टवेयर में आप बारकोड की इंफॉर्मेशन दर्ज करना चाहते हैं उसी सॉफ्टवेयर में कर्सर को रखेंगे और बारकोड स्कैनर से बारकोड को स्कैन करेंगे और बारकोड स्कैन होगा तो बारकोड में क्या दर्ज रहती है, इंफॉर्मेशन। बारकोड मतलब क्या है? कोड। यस सर। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या होगी? ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, ऑटोमेटिक फीड हो जाएगी, फीड हो जाएगी, समझ गए? और आपको बिल निकालने में, आपको प्रोडक्ट की एंट्री करने में बहुत हेल्प मिलेगी किससे? बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर। आप कभी भी मॉल वगैरह में जाते होगे, देखते होगे कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहां बिल उल जो है, बिल उल जो बना रहे होते हैं वो सब आपके एक एक प्रोडक्ट पे बारकोड लगा रहता है। जी सर। यस सर। बारकोड स्कैनर से स्कैन करते हैं फिर बिल निकालते हैं, देखे हो कभी? यस सर। सूरज तुम मॉल पे हो ना? यस सर। हाँ, कचहरी तो तुम नहीं गए थे, देखो
अब देखिए इसमें से एक रेड लाइट निकल रही, दिख रहा है? यस सर। देखना जब स्कैन करेगा इसमें से क्या निकलेगी, रेड लाइट। तो आप यहाँ लेंगे और यहाँ पे जो भी बारकोड आपको दिख रहा है, देखो दिखा? यस सर। स्कैन करने के लिए वो जो रेड लाइट है ना, उसी से स्कैन होता है बारकोड। बारकोड में रेड लाइट है ना सर? स्कैनर में। अरे बारकोड में तो लाइनें बनी होती हैं दोस्त, स्कैनर में। अच्छा स्कैनर में, सॉरी सर, स्कैनर में होता है। स्कैनर में से रेड लाइट निकलती थी। देखो समझ गए भाई? जी सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, माइक ऑफ कर लो। इतना आ गया समझ में? हाँ सर। जी सर। तो बारकोड स्कैनर का यूज अगर कोई पूछेगा किस लिए होता है और इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, केवल केवल कनेक्ट कर देना है यूएसबी पोर्ट से। आपका ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बारकोड्स को स्कैन कर सकते हैं। किसकी मदद से? बारकोड रीडर बोलिए या बारकोड स्कैनर बोलिए, कुल मिला के ये ऑटोमेटिक टाइपिंग करने के लिए होता है। ठीक है, सीरियल नंबर, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब चीजें आसानी से आप क्या कर पाए, अपने कंप्यूटर के डेटाबेस में रख पाए, उसके लिए होता है ये बारकोड स्कैनर। क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। इसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइस, ये किस लिए होती है यूज, ये सब लोग जानते होंगे, अटेंडेंस के लिए। यस सर। यस सर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो आपको वहां पे जो एम्प्लॉई काम करते होंगे, वो एम्प्लॉई आपको अक्सर कहते मिल जाएंगे कि हमको अपनी कंपनी में क्या करना पड़ता है, अपना जाके थंब लगाना पड़ता है। Yes. तो वो थंब लगाने का मतलब, वो थंब कहाँ लगाते हैं वो लोग? बायोमेट्रिक मशीन पे। समझ में आई बात? और ये जो बायोमेट्रिक मशीन पे आप थंब लगाते हैं, तो यहाँ से आपने अपना थंब लगाया तो आपका जो इन टाइम है और आउट टाइम है वो कहाँ दर्ज हो जाता है, ये वो इसी में स्टोर नहीं होता है केवल, वो कंप्यूटर पे जाके इन हो जाता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये डिवाइस जुड़ी रहती है किससे? कंप्यूटर से। समझ गए? तो ऑटोमेटिक आपका अटेंडेंस लग जाता है कि भैया आप किस दिन प्रेजेंट थे, किस दिन अब्सेंट थे, और वहीं से आपकी सैलरी वगैरह बना दी जाती है। समझ में आई बात? तो बायोमेट्रिक डिवाइस एक डिवाइस होती है जो पीपल की पर्सनल इंफॉर्मेशन को रीड करती है, जैसे आपके थंब इंप्रेशन को। कई जगह आप देखोगे इस समय कोरोना चल रहा है तो थंब लगाने के लिए नहीं, ये कार्ड दिखाना रहता है या अपना फेस दिखाना रहता है। बायोमेट्रिक में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी आने लगा है कि आपके चेहरे को देखेगा वो और जान जाएगा कि आप क्या कर चुके हैं, प्रेजेंट हो गए। हाँ, प्रेजेंट हो गए हैं तो आपको थंब नहीं लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? देखो यहाँ क्या कह रहा है, बायोमेट्रिक डिवाइसेज आर कॉमनली यूज टू रीड फिंगरप्रिंट। पहले ये सबसे पहले क्या रीड करती थी, फिंगरप्रिंट। फिर इसके बाद वॉइस वाली बायोमेट्रिक मशीन आ गई, आप आके बोलोगे हेलो आई एम इन, तो आपका अटेंडेंस लग जाएगा, आपकी आवाज पहचान जाएगी। समझ गए? क्यों? क्योंकि आप आपकी आवाज का सैंपल पहले ही इसमें डाल दिया गया रहेगा तीन चार बार। जैसे तुम्हारे फोन में तुम्हारा ही फिंगरप्रिंट क्यों काम करता है, क्योंकि सर उसको हम मतलब ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते हैं। तुम अपने फिंगरप्रिंट क्या डेटाबेस में एंट्री कर देते हो ना अपने फोन में। यस सर। जब फिंगरप्रिंट लगा रहे होते हो, फिंगर लॉक, तो तुम अपने उंगलियों का एंट्री कर देते हो ना कि भैया बस इसी उंगली से खुले। यस सर। तो इसी तरह जब बायोमेट्रिक डिवाइस कहीं लगती है ना, तो जितने भी वहां एम्प्लॉई होते हैं या जितने भी स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज वॉलेज में भी लगती है अटेंडेंस के लिए। Yes, तो उनका पहले ही सैंपल इसमें रख दिया जाता है, फिंगरप्रिंट डेटाबेस में रख दिया जाता है। तो जब वो स्टूडेंट दोबारा आके फिंगरप्रिंट लगाता है तो पता चल जाता है कि ये फिंगरप्रिंट फलाने का है, तो उसकी अटेंडेंस लग जाती है। क्यों? क्योंकि सबका फिंगरप्रिंट
सबका डीएनए, सबकी हैंडराइटिंग, सबकी आवाज और सबकी आंखों, आंखें का जो रेटिना होता है वो अलग अलग होता है, किसी का भी दुनिया में मैच नहीं कर सकता एक दूसरे से, समझ रहे हैं? यस सर। आपके फिंगर का जो फिंगरप्रिंट है वो दुनिया में किसी और के फिंगर से मैच नहीं करेगा। yes, आपका जो डीएनए है वो किसी और से मैच नहीं करेगा, आपकी जो हैंडराइटिंग है वो किसी और से मैच नहीं करेगी, आपकी जो वॉइस है वो किसी और से मैच नहीं करेगी, आपकी जो आंखों का रेटिना है वो किसी और से मैच नहीं करेगा। तो उसी बिहाफ पे ये मशीन बनाई गई, समझ गए? यस सर। आप आधार यूज करते होगे ना आजकल, आधार? यस सर। आधार कार्ड यूज करते हो सब लोग? आधार कार्ड जो बना है वो भी कैसे बना है? बायोमेट्रिक डिवाइसेस से ही बना है। सरकार ने आपका सारा डेटा, आपकी फिंगरप्रिंट का डेटा, आपकी आंखों का डेटा, सब कुछ लेके रख लिया है। अब आप कहीं क्राइम वगैरह करोगे ना, तुरंत पकड़ा जाओगे कि आप यही हो। वो जैसे ही आधार के डेटाबेस में आपका फिंगरप्रिंट लगाएंगे, आपका नाम वो आप अगर गलत बता रहे हो सब पता चल जाए, समझ रहे हो? यस सर। इसीलिए आधार कार्ड बनाया गया है। यस सर। तो बायोमेट्रिक मशीन समझ में आया क्या होती है? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपके आपके बायो का मतलब क्या होता है? जीव, यही ना होता है बायो का मतलब? यस सर। जैसे बायोलॉजी पढ़े थे, बायोलॉजी? यस सर। बायोलॉजी का मतलब क्या? जीव विज्ञान। इसी तरह बायोमेट्रिक यानी बायो से रिलेटेड डेटा जो मशीन रखे, या बायो से रिलेटेड जो डेटा आपके कंप्यूटर में इनपुट कराए, उसी को क्या बोलते हैं? बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक। बायो में क्या क्या आता है भैया? आपका फिंगरप्रिंट आता है, आपका डीएनए आता है। डीएनए का नाम सुने हो? यस सर। डीएनए का, डीएनए में कुछ भी हो सकता है भैया, आपके बालों, बालों से भी आपके डीएनए की जांच हो जाएगी। यस सर। हर चीज शरीर के पूरे, हाँ, शरीर के किसी भी पार्ट से आपका डीएनए पता चल जाएगा। वॉइस, आवाज भाई सबकी अलग अलग होती है। अभी मान लो हम लोग क्लास में ही 20-25 लोग हैं, 20 लोग, तो सबकी आवाज क्या होगी? अलग अलग। अलग अलग अलग। कोई भी बोलता है तो हम लोग पहचान जाते हैं ना कि ये बोल रहे हैं। अच्छा। फिर आंखों के भी बनावट, और आंखों में जो रेटिना होती है ना, जिसको पुतली बोलते हैं हिंदी, वो अलग अलग होती है सबकी। तो फेस रिकग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन, डीएनए रिकॉग्निशन, ये सारी तरह की बायोमेट्रिक मशीन आपको मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोग कौन वाली लगवाते हैं? फिंगरप्रिंट। अब कोरोना आ गया है तो लोग कौन वाली लगवाएंगे? आईज। आईज रिकॉग्निशन, जिसको फेस रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, समझ गए? Yes, फिर वॉइस वाली भी लगवा सकते हैं कि भैया आप बोलोगे पहचान जाएगा कि हाँ आप इन हो गए हो। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, कंप्यूटर में वॉइस रिकॉग्निशन मशीन लगी रहती है, बोलते हैं तो कंप्यूटर अनलॉक हो जाता है, समझ गए? जी। इन्हें सुने होंगे कि बोलते हैं कि हमारे कंप्यूटर में हमारी आवाज सुने बिना ये अनलॉक नहीं होगा, देखे हो मूवी वूवी में? यस सर। तो ये वहां पे कौन सी बायोमेट्रिक डिवाइस यूज की गई? वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है। अब देखो, आजकल फिंगरप्रिंट वाला एकदम कॉमन है, हर जगह आता है, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, हर जगह फिंगरप्रिंट वाला कॉमन है, हर जगह। ठीक है। वॉइस वाला भी कॉमन है, वॉइस के थ्रू भी आप पासवर्ड आजकल लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि गूगल असिस्टेंट, कोर्टाना, ये सब आ गया है ना। यस सर। फिर आजकल देखो फेस रिकॉग्निशन वाला भी कॉमन है, आपके फोन में ही देखो आपका फेस देखते ही अनलॉक हो जाता है, फोन हो जाता है, हो जाता है। सर। जी सर, दिया रहता है ना। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? बायोमेट्रिक डिवाइस के अंतर्गत। समझ में आई बात? यस सर। ये तो अभी फोन में आ रहा है ना, आप चाहोगे तो अलग से भी अपने नेटवर्क में लगा सकते हो। बायोमेट्रिक डिवाइसेज आती मार्केट से, खरीदोगे तो देखो ऐसी बायोमेट्रिक डिवाइसेज आती है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। तो वो किस लिए लगाई जाती है भैया? एम्प्लॉय की अटेंडेंस के लिए, स्टूडेंट की अटेंडेंस के लिए, समझ गए? ये देखो,
ये देखो ऐसी आती है डिवाइस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग टेक। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, बायोमेट्रिक टाइम एंड अटेंडेंस डिवाइस। तो इससे ये लगा देने से क्या होगा भैया, कौन कितने टाइम पे आया है ऑफिस में, या कौन कितने टाइम पे कॉलेज आया है, कौन कितने टाइम पे स्कूल आया है, सब पता चल जाएगा ना। यस सर। देखो ट्रेंडिंग टैक्स में आपका देख ले, इट इज द मॉडल नंबर इज CPBTA T2324U। प्रोडक्ट के रिव्यूज अच्छे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एक यूजर मैनुअल इसके अंदर हमारे को मिला है। अब देखो ये मशीन है, ये बायोमेट्रिक मशीन है, ये लग जाएगी कहीं पे ऑफिस के किसी भी कोने में लग जाएगी, स्कूल के किसी भी कोने में लग जाएगी, यूनिवर्सिटी के किसी भी कोने में लग जाएगी, कॉलेज के किसी भी कोने में लग जाएगी, और आप उसमें एंट्री कर दोगे सबकी। इसको किससे कनेक्ट करोगे, किसी ना किसी कंप्यूटर से, और उस कंप्यूटर में सबका डेटाबेस का एंट्री कर दोगे, सबका सैंपल ले लोगे, सबका नाम उसमें ऐड कर दोगे, सबके फिंगरप्रिंट ऐड करा दोगे, शिफ्ट की टाइमिंग ऐड करा दोगे कि भैया इनका इतने बजे से इतने बजे तक टाइम है। तो अगर उसके बाद वो आते हैं लेट आते हैं तो अपने आप ये मशीन हाफ लगा देगी, टाइम पे आते हैं तो प्रेजेंट लगा देगी, नहीं आते हैं तो अपने आप क्या लगा देगी, अब्सेंट लगा देगी। तो ये सारा काम आपका अटेंडेंस से रिलेटेड ऑटोमेटिक होने लगेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए, बोलो। जी सर। हमारे पास तो ऐसी बहुत सारी बायोमेट्रिक मशीनें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी अपने एम्प्लॉइज हैं उनको रजिस्टर करना है यहाँ पे, मैं ओके पे क्लिक करूंगा। देखो ये आपका क्या है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, यहाँ से एंट्री वगैरह की जाती है। मशीन से एंट्री करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप कंप्यूटर पे एंट्री कर लो, इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, इस मशीन का कंप्यूटर पे एंट्री कर लो, मैं बताऊंगा इसका प्रैक्टिकल। और उसके बाद क्या करो, इस मशीन पे अपलोड कर दो, ठीक है, और अगले दिन से अटेंडेंस लेने लोगों सबकी। समझ में आई बात? यस सर। तो बायोमेट्रिक डिवाइस समझ गया क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिससे आप अटेंडेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। यस सर। इसके बाद टच स्क्रीन सब लोग जान ही रहे हो आजकल, टच स्क्रीन क्या होता है या टच स्क्रीन का जमाना है कि टच करो और कंप्यूटर चलाओ, टच करो मोबाइल चलाओ, टच करो, टच से सब कुछ चलाइए, ठीक है। अब टच स्क्रीन वाले लैपटॉप भी आते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग अभी जो लैपटॉप चलाते हैं सिंपली वो कौन से होते हैं, उसमें जो स्क्रीन लगी होती टच वाली नहीं होती। लेकिन आप आने वाले समय में क्या देखोगे, टच स्क्रीन वाले लैपटॉप चलाएंगे। प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, प्राइसिंग के बाद हम बाद में देखेंगे। और यहाँ जीरो ई पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो ओवरऑल जो इसके फुल साइज HDMI पोर्ट यूएस लेवल पैनल प्रोवाइड किया है, ठीक है। सो ब्राइटनेस के मामले में मुझे के सबसे 8GB का DDR4 RAM, 512GB का NVMe Express की SSD उन्होंने प्रोवाइड किए। सो गाइस ओवरऑल जो इसका पे वर्क कर रहा था, उसके अलावा अगर इसके बैटरी की बात करूं तो अंदर की तरफ यहाँ पे इसके साथ क्या मिला हुआ है, डिजिटाइजर, जो अभी हम लोग आगे बात करने वाले। अब ये क्या है, ये पेन है, इससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से लिख सकते हो लैपटॉप के अंदर। यस सर। लेकिन ये डिजिटाइजर पेन जो है वो काम करेगा किसमें, टच स्क्रीन में ही काम करेगा। कुछ कस्टमाइजेशंस इसमें किए थे तो हमें ऑन एन एवरेज कांस्टेंट यहाँ पे 30 FPS मिल रहे थे। सो 30 FPS पे जो GTA 5 गेम था वो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा था। उसके अलावा अगर आप इसे मल्टीटास्किंग या फिर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो भाई यहाँ पे आपको कोई भी लैग महसूस नहीं होने वाला। एंड उसी के साथ हम बात करेंगे इसके ASUS पेन की। तो यहाँ पे उन्होंने ASUS पेन भी प्रोवाइड किया है जहाँ पे आपको दो बटन इसके ऊपर देखने मिलते हैं जिसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। और अगर मैं इसके बैटरी की बात करूं तो अंदर की तरफ यहाँ पे 4A बैटरी उन्होंने प्रोवाइड किए जो आपको यहाँ पे लास्ट करेगी 1 साल तक। सो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप इसे टैबलेट के तौर पे भी यूज कर सकते हो। और यहाँ देखे, ये देखो, तो आप इसमें ऐसे जैसे नहीं, आप कॉपी पे लिखते हो,
Yes, sir. अगर आपको चाहिए तो ड्रॉइंग हो गया, स्केचेस हो गया, वो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो 3D मॉडल्स होते हैं, बेसिक 3D मॉडल्स, उसे आप काफी बढ़िया तरीके से इसमें डिजाइन कर सकते हो। एंड जी हाँ, जो पेन है, जो एसयूएस पेन उन्होंने प्रोवाइड किया है, उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा स्ट्रैप प्रोवाइड किया है जो यहाँ पे मैग्नेटिकली स्टिक हो जाता है आपके बैक पैनल पे, लैपटॉप के बैक पैनल पे, जिसके ऊपर आप काफी बढ़िया तरीके से पेन को प्लेस कर सकते हो। उसी के साथ हम बात करेंगे इसके कीबोर्ड की, तो यहाँ पे उन्होंने बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड प्रो ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। इसके कैमरा की, तो यहाँ पे उन्होंने तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। उसी के साथ हम बात करेंगे इसके कैमरा की, तो यहाँ पे उन्होंने वेबकैम प्रोवाइड किया है जो है 720p का। और इस समझ गया ना भाई, देखो अब ये HP का देखो टच पैड, यहाँ पर हमें इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है जो कि HP Pavilion X360 कन्वर्टेबल, और कुछ इसके स्पेक्स दिए, कैसे डिटेल्स दिए हुए, और राइट साइड में लिखा हुआ है एक i5 8 जनरेशन का, इसमें i5 का 8 जनरेशन प्रोसेसर मिलता है हमें इसमें, जिसकी मदद से इसे टैबलेट मोड पे करके हमें इसे यूज कर सकते हैं। एक 360 लैपटॉप है तो इसे हम ऐसे भी 360 कर सकते हैं। 360 समझ रहे हो ना? जी सर। 360 का मतलब आप पूरा इसको ऐसे घुमा, ये घुमा और टैबलेट मोड पे करके हमें इसे यूज कर सकते हैं। ये 360 लैपटॉप है तो इसे हम ऐसे भी 360 कर सकते हैं, और बाद में एज अ टैबलेट इसको हम यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इसे बूट कर लेते हैं, तब तक आप स्क्रीन पे इसकी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। इसके साथ में हमें मिलता है एक 8 जनरेशन का इंटेल कोर i5 प्रोसेसर, 1 TB की हार्ड ड्राइव, इसके साथ ही हमें इसमें 16 GB की SSD भी मिलती है जो कि मिलता है। इसे लेफ्ट साइड में एक पावर बटन दिया हुआ है जिसकी मदद से हम इसे बूट कर सकते हैं, और राइट साइड से यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है, अगर आप इसमें फिंगरप्रिंट्स ऐड करेंगे तो आप इसे बाद में आसानी से खोल सकते हैं। समझ गया, फिंगरप्रिंट भी दिया है इसमें। यस सर। दिया, अनलॉक ना कर पाए कोई भी। राइट साइड में हमें यहाँ पर एक बैटरी इंडिकेटर मिलता है, एक फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पे हम हमारा बड़ा वाला SD कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, यहाँ पे USB पोर्ट जो कि USB 3.0 है, और एक HDMI पोर्ट, और यहाँ पे हमें चार्जिंग पोर्ट मिलता है जहाँ पे हम हमारा चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से हमें एक USB पोर्ट मिलता है जो भी एक, ये भी एक 3.0 पोर्ट है, यहाँ पे एक हेडफोन जैक, यहाँ पे एयर वेंट जो कि कूलिंग के लिए काम आएगा, यहाँ पे पावर बटन, और यहाँ पे किंगस्टन लॉक दिया हुआ है जिसकी मदद से हम हमारा स्क्रीन का फ्लिप लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे सक्सेसफुली बूट कर लिया है। यहाँ पर आप सामने की साइड से देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें फुल HD डिस्प्ले मिलता है जिसकी व्यूविंग एंगल्स काफी अच्छे है, किसी भी एंगल से आप इसे आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे सामने की साइड से इसका आप मेटल क्वालिटी देख सकते हैं, एक बहुत ही प्रीमियम मेटल क्वालिटी है जो कि बहुत ही प्रीमियम फील देता है लैपटॉप को। इसी के साथ हमें ये कीबोर्ड पूरा बैकलिट मिलता है, इसकी मदद से बैकलिट कीबोर्ड, समझ रहे हो जी सर, कि अंधेरे में भी इसमें क्या होगा आप काम कर पाओगे। इस कीबोर्ड में लाइट जलती रहती, बहुत महंगे लैपटॉप में ही आता है ये, 50,000 के ऊपर ही आता बैकलिट। Yes. में टाइपिंग करते हुए आपको आसानी जाएगी। यहाँ पे सामने की साइड से बहुत बड़ा B&O का स्पीकर दिया हुआ है जिसका आउटपुट काफी अच्छा है। एक 360 का टच लैपटॉप है जिसकी मदद से आप इसे 360 रोटेट कर सकते हैं। ये देखो अभी चलाएगा टच, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू स्विच टू टैबलेट मोड, इसको बाद में एस पे क्लिक करने के बाद ये टैबलेट मोड में चला जाएगा, और इसे आप बाद में एज अ टैबलेट यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हमें एक HP का स्पेयर मिलता है जो कि स्टाइलस, एज अ स्टाइलस हम इसे यूज कर सकते हैं, इसकी मदद से हम कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, हमें अगर रनिंग नोट्स लेने होंगे तो हम आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी ड्रॉइंग वगैरह करनी है, कुछ भी रनिंग नोट्स लेने, तो हम स्टाइलस से हमारे पेंट में या किसी भी अदर, किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में आराम से हमारे नोट्स ले सकते हैं। समझ गए? यस सर, यही स्टाइलस है। तो ये स्टाइलस भैया एक नॉर्मल वाले लैपटॉप में काम करेगा, बताओ? नो सर, इसके लिए क्या चाहिए? टचपैड वाला, टच स्क्रीन वाला ही चाहिए, ठीक है? हाँ सर। तो ये समझ में आया टच स्क्रीन भैया, टच कर करके चलाओ, ये तो सब लोग जानते होंगे यार सर जी। आजकल फोन ऑन जो आ रहा है वो सब टच स्क्रीन ही तो आ रहा है। यस। और ATM में भी होता है सर। हाँ, ATM में भी होता है। हाँ, ATM में भी होता है, ATM में भी आपने देखा होगा टच स्क्रीन लगा रहता है। समझ गए? आप टच करोगे, कंप्यूटर चलाओगे। अब ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगा भैया? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो हम लोग फोन आजकल यूज कर रहे हैं ना, स्मार्टफोन। यस सर। उसको पहले
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते थे, अब सब कुछ मिक्स करके स्मार्टफोन बना दिया गया। अब आप उसमें पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का मतलब क्या, अलार्म लगा सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, जो मन करे वो कर सकते हो, है कि नहीं? यस सर। माइंडर नहीं सेट कर सकते हो उसमें कि भैया इतने टाइम हमको यहाँ जाना है, इतने टाइम वहां जाना है, इतने टाइम हमारी ये मीटिंग है, वो है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो डिजिटल असिस्टेंट का काम यही होता है कि आपको असिस्ट करना, आपकी सहायता करना। तो आजकल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन। फिर इसके बाद सैटेलाइट नेविगेशन डिवाइसेस में, या जो ऐसी डिवाइसेस होती है ना जिनको हमें इजीली चलाना होता बिना कीबोर्ड माउस के, बस एक स्क्रीन से, तो वहां पे आप ज्यादातर क्या, जैसे एटीएम एक एग्जांपल है, एटीएम में अगर कीबोर्ड और माउस रख दिया जाएगा तो पता चलेगा लोग लेके चले जाएंगे, है कि नहीं? Yes, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, वहां पे वो रखा था, क्या कहते हैं, सैनिटाइजर। हाँ, सैनिटाइजर वो लेके चला गया। Yes, समझ रहे हो? तो जहां पे भी आपको चाहिए कि भैया डिवाइस ऐसी हो कि हम उसको इजीली नेविगेट कर लें स्क्रीन के थ्रू, मतलब हमको अलग से कोई इनपुट डिवाइस ना लगानी पड़े, तो वहां पे आपको अक्सर ऐसे ही टर्मिनल लगे हुए मिलेंगे जो टच स्क्रीन वाले होंगे। जैसे आप स्टेशन पे गए होगे, टिकट उकट वाली मशीनें होती हैं, टिकट वेंडिंग मशीनें। Yes, टिकट वेंडिंग मशीनें भी आपको हमेशा ऐसी ही दिखेंगी, टच स्क्रीन वाली। Yes, एटीएम, समझ गए, जहां पे आप इनपुट डिवाइस नहीं लगा सकते हो, लगाने पे खतरा है भैया कोई लेके चला जाएगा, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. वहां पे आपको हमेशा नेविगेट करने के लिए टच ही मिलेगा, नेविगेट करने का मतलब समझ रहे हो ना, इधर उधर जाने के लिए, समझ गए भाई? एटीएम से पैसा निकालते हैं हम लोग तो उसमें कई चीजें नेविगेट करनी पड़ती ना कि हम एटीएम में क्या करने आए। यस सर। बैलेंस जानने आए हैं, पैसा निकालने आए हैं, पैसा जमा करने आए हैं, पैसा ट्रांसफर करने आए हैं, पिन बदलने आए हैं, तो इसी को वहां पे हम लोग नेविगेशन करते हैं ना, यहाँ बैक जाते हैं, आगे जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो इसी को नेविगेट करना बोलते हैं। फिर आपके फोन में, फोन तो आजकल भैया टोटली टच स्क्रीन वाले ही आ रहे हैं, वीडियो गेम्स भी आजकल टच वाले आते हैं, आप देखते हो ना फोन में ही वीडियो गेम खेलते हो टच वाला। यस सर। तो टच स्क्रीन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसके बाद देखो ये स्टाइलस और डिजिटाइजर, स्टाइलस और जैसे डिजिटाइजर और स्टाइलस अब बताने की भी जरूरत नहीं, आपने अभी देखा कि एक छोटा सा पेन होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे इनपुट दे सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। इसको टैबलेट के साथ यूज किया जाता है, समझ गए? मतलब कुल मिला के आपके लैपटॉप में या आपके टैबलेट में अगर टच स्क्रीन लगी हुई है तो आप इसका यूज कर पाएंगे। किसका? स्टाइलस डिजिटाइजर। स्टाइलस का, इसको स्टाइलस बोलो चाहे डिजिटाइजर पेन बोलो, स्टाइलस पेन या डिजिटाइजर पेन, समझ गए? यस। अब ये एकदम जैसे आप कॉपी पे लिखते हो ना, कॉपी पे। यस सर। वैसे ही जैसे अपनी हैंड राइटिंग में अगर कंप्यूटर पे कुछ लिखना हो तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी आपको कंप्यूटर में कुछ लिखते हो तो अपनी हैंडराइटिंग में नहीं ना लिख पाते हो? नो सर। नो सर। अपनी हैंडराइटिंग में लिखना हो तो इसी की जरूरत पड़ेगी। मान लो आपको सिग्नेचर करना है, समझ गए? यस सर। समझ गए? तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। किसकी? स्टाइलस या डिजिटाइजर की। अभी आप देख रहे थे ना जितने भी टच वाले लैपटॉप हम लोग ढूंढ रहे थे उसके साथ ये पेन जरूर आ रहा था, चाहे वो Asus का हो, चाहे वो HP का हो, चाहे किसी कंपनी का हो, टच वाला लैपटॉप खरीदोगे ये पेन जरूर मिलेगा, समझ गए? तो ये पेन क्यों मिलेगा? ये पेन इसलिए मिलता है ताकि आप क्या कर सको, अपनी हैंड राइटिंग में उसमें नोट्स वगैरह बना के रख सको, सेव कर सको, समझ गए? कई लोग इसी से डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, लोगो वगो बनाते हैं इसी पेन से। हाँ जी। समझ गए? मतलब कई लोगों के लिए बहुत यूजफुल चीज है ये। इसके बाद देखो मल्टीमीडिया डिवाइसेस। तो मल्टीमीडिया डिवाइसेस में देखो वेबकैम जान ही रहे हो, आजकल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो वेबकैम नहीं होता तो पढ़ पाते? अभी हमें मान लो आपको देखना हो तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अपना कैमरा ऑन कर लो। यस सर। तो वेब कैमरा समझ ही गए हो भाई, ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए। यस सर।
है कि नहीं, ये सब बातें कभी बहुत पुरानी हुआ करती थी, लोगों को समझाना पड़ता था, अब समझाने की जरूरत है ये सब? नो सर। ये तो आजकल वेबकैम सब लोग जान रहे भैया कि वेबकैम रहेगा तो आप वीडियो कॉलिंग कर पाओगे, मीटिंग कर पाओगे, है कि नहीं, इंटरनेट के थ्रू। डिजिटल कैमरा सब लोग जान रहे कि भैया कैमरा रहेगा तो आप कुछ भी फोटो, किसी भी चीज का फोटो कैप्चर करके अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में रख पाओगे, है कि नहीं? यस सर। इसके बाद देखो, तो ये कैमरा और वेबकैम सब लोग जान रहे हो। देखो अब लैपटॉप में तो वेबकैम दिया रहता है कि नहीं? लैपटॉप में तो आपको वेबकैम और डिजिटल कैमरा मिलेगा। जैसे फोन में तो आजकल कैमरे आ ही रहे, स्मार्ट, कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं होगा जिसमें कैमरा ना हो, है कि नहीं? सारे स्मार्टफोन अब आजकल तो जियो वाले फोन में भी 2000 का आता है उसमें कैमरा दिया रहता है। इसके बाद वेब कैम सब लोग जान ही रहे हो, लैपटॉप में देखे होगे। देखो वेब कैम लैपटॉप का मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी हम अपना वीडियो ऑन करेंगे तो आपको मेरा चेहरा दिखने लगेगा ना? यस सर जी। यस सर। यानी मेरे लैपटॉप में क्या दिया हुआ है? वेबकैम, लैपटॉप इनबिल्ट वेबकैम, इनबिल्ट समझ रहे हो? इनबिल्ट मतलब उसी में लगा हो। इनबिल्ट कैम, इनबिल्ट वेबकैम। अब मान लो आपको अच्छा क्वालिटी का चाहिए, समझ रहे हो? आपको चाहिए अच्छी क्वालिटी, समझ रहे हो? Yes, तो ये ऐसे आप देखे होगे लगा रहता है। हम डिवाइस मैनेजर में जाके वहां पे पहले ये जान लेते हैं कि ये कैमरा होता क्या। ये देखो ये कैमरा, ये बेसिकली एक वेब कैम होता है जो कि यूएसबी की वीडियो में हम ये बात दिख रहा है। ये देखो ऐसे लगा रहता है। यस सर समझ गए। अब yes, आप चाहो तो अगर मान लो आपके लैपटॉप में वेबकैम नहीं दिया, किसी किसी लैपटॉप में नहीं भी दिया रहता है, और मान लो डेस्कटॉप में नहीं दिया, मॉनिटर में तो नहीं ना दिया रहता है, आप डेस्कटॉप वाले मॉनिटर खरीदो उसमें वेबकैम दिखेगा आपको कभी? नहीं दिखेगा। तो आप अलग से यूएसबी वाला वेबकैम खरीद सकते हो, यूएसबी वेबकैम अच्छी अच्छी क्वालिटी का, जिसका क्वालिटी अच्छा हो। जैसे जो इनबिल्ट वेबकैम आते हैं ना उनका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, तो आप अलग से ऐसे वेबकैम खरीद सकते हो। इन कंज्यूमर बीइंग द लॉजिटेक C270 व्हिच कम्स फॉर अराउंड 1200 रुपीस, दिस इज अ 720p एचडी वेबकैम बाय लॉजिटेक व्हिच हैज अ 3 मेगापिक्सल कैमरा एंड कम्स विद द कॉल। ये देखो ऑन माय डेल मॉनिटर, इफ यू वांट टू सी द वीडियो ऑफ दिस मॉनिटर ऐसे आप लगा दो। यस सर। पॉपड आउट ऑन द राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर। फिटिंग दिस वेबकैम इज रियली इजी एज यू कैन सी देयर, इट सिट्स इन प्लेस रियली फर्म। अब ये लगा दिए। Yes. अब आप में वेबकैम नहीं था तो आपके में वेबकैम हो गया, आप यूएसबी से कनेक्ट कर दीजिए बस। Yes. Right. Moving the screen there and it does not affect the webcam whatsoever. Now this webcam won't automatically install the drivers as soon as you plug it to your machine. समझ गए। इसके लिए आपको अलग से ड्राइवर वगैरह डालने के लिए जरूरत नहीं है। आप प्लग करोगे आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। समझ में आई बात? जी। अब वेबकैम की जरूरत पड़ेगी कब? जब आपको ऑनलाइन मीटिंग करनी हो, वीडियो कॉलिंग करनी हो। समझ में आई बात? जी। यस सर। और कैमरा जान ही रहे हो यार, कैमरा किस लिए होता है ये बताएंगे तो बेइज्जती है तुम लोग। यस सर। अब देखो मिडी क्या होता है? मिडी देखो, मिडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। समझ गए। अब देखो मिडी डिवाइसेस क्या होती है। मिडी कंप्यूटर, देखो मिडी क्या होता है। In this video, we'll be learning how to connect up. Let's get stuck into connecting our MIDI synth to the MIDI ports on the back of our audio interface.
So here we are looking at the back of my MIDI keyboard and the back of my audio interface. Now you'll notice the MIDI keyboard has three MIDI ports labeled through, out, and in. We're only interested in the out and the in ports today. We're not bothered about the through port. And indeed, your accident out, you will have that MIDI. Here I am in fully featured. So check out my MIDI. What's up, guys? Welcome to my channel. Today I'm going to show you how to connect your keyboard to your PC using a MIDI cable, which you can record music. Dekho bhai, dhyan do. Going to the video right now. The things which you need is a MIDI cable, a laptop, and a PC. First step, you connect your MIDI cable to the keyboard and connect it to the PC. Second, ab dekho, MIDI samajh gaya na kya hai? जी सर, ये कीबोर्ड देख रहे हो जिससे ये म्यूजिक म्यूजिक बनाया जाता है, समझ रहे हो? अब देखो ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड, अब ये कहो कि ये कैसा कीबोर्ड है भैया, ये म्यूजिक कीबोर्ड। यस सर। Keyboard is connected to. अब देखो इसका ड्राइवर वगैरह डाल रहा है। Software is given. Yes. Better performance use and headphones. भाई देखो यहाँ क्या लिख रहा, समझो इस मिडी का फुल फॉर्म क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। हाँ, तो ये मिडी पोर्ट जो होता है ये किस लिए होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। किस लिए? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो ये पियानो, गिटार, कीबोर्ड, तबला, अबला, बहुत कुछ होता है, ठीक है? Yes, sir. ये मिडी इंटरफेस अगर दिया होगा ना तो आप क्या कर पाओगे? अब आजकल मिडी इंटरफेस की जरूरत नहीं, आजकल यूएसबी से ही सब हो जाता है, समझ गए? यस सर। अभी आप देख रहे थे ना वो अपना कीबोर्ड जो था, कीबोर्ड मतलब देखो कीबोर्ड का मतलब केवल यही कीबोर्ड नहीं होता है। जैसे आप गूगल पे लिखोगे ना कीबोर्ड, तो कीबोर्ड कौन वाला आएगा जो हम लोग चलाते हैं? आएगा ना ये कीबोर्ड, कीबोर्ड। यस सर। अब एक कीबोर्ड ये है और एक कीबोर्ड ये वाला होता है, म्यूजिकल कीबोर्ड। कौन सा? म्यूजिकल कीबोर्ड, ये वाला। देखे हो ये सब? ये कीबोर्ड देखे हो? यस सर। जी सर। भैया इसको पियानो भी बोलते हैं, देखो लिखा है इलेक्ट्रिक कीबोर्ड पियानो 61 की। इसमें कितनी की है? क्या इससे क्या बनाया जाता है? म्यूजिक। इससे म्यूजिक बनाया जाता है, जो म्यूजिक म्यूजिक सुनते हो ना इतने बेहतरीन बेहतरीन, सर जानते हैं। हाँ, तो वो इसी से बनते हैं, म्यूजिक कीबोर्ड से। गाँव में इसको कैसियो भी कहते हैं। हाँ, कैसियो भी इसको कहते हैं लोग। कैसियो नहीं कहते, कैसियो नाम की कंपनी बनाती है इसको, ठीक है? ज्यादा नहीं समझे? समझे सर। जैसे गांव में तो सर्फ को घड़ी कहते हैं, वो जबकि वो डिटर्जेंट पाउडर होता है। घड़ी तो कंपनी है ना? जी सर। यस सर। ठीक है, घड़ी तो कंपनी है जबकि वो है क्या, वो डिटर्जेंट पाउडर है। तो गांव में कुछ भी कहने लगते हैं। तो ये कीबोर्ड देख रहे हो, ये म्यूजिकल कीबोर्ड, ये कनेक्ट होता था पहले किससे? मिडी केबल से। किससे? मिडी केबल। मिडी केबल, मिडी केबल, ये मिडी केबल आती थी, समझ गए? ऐसी, समझ में आ रही बात? ऐसी केबल आती। yes. और ऐसे ही इंटरफेस भी लगे होते थे आपके कंप्यूटर में। तो अब आजकल ये सब का काम किसने रिप्लेस कर लिया है? यूएसबी। हाँ, मिडी यूएसबी केबल आने लगी भैया आजकल। यूएसबी ने सब कुछ, देखे ना अभी वो कनेक्ट कर रहा था तो किससे कनेक्ट कर रहा था? यूएसबी। यूएसबी से, समझ गए? तो ये वाला, ये तो लग जाएगा आपके डिवाइस की तरफ, और ये किधर लग जाएगा? आपके लैपटॉप में।
अभी यहाँ पे देखो क्या कर रहा था, ये दिख रहा है? जी सर। ये देखो, ये है देखो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुशल। इनके पास देखो क्या क्या है, ये दिख रहा है? ये कीबोर्ड है, म्यूजिकल कीबोर्ड। ये देखो गिटार रखे हुए हैं, दिख रहा है? यस सर। तो बहुत कुछ है इनके पास, ये म्यूजिशियन होंगे। समझ गया? देखो समझ गया ना, ये बोल रहा है ना यूएसबी कम मिडी। देखो भाई ये केबल, अब देखो केबल ही मैं दिखाने वाला था। देखो ये केबल है, अब देखो इसमें पावर लगा दिया। ये कीबोर्ड है, म्यूजिकल कीबोर्ड, इसमें क्या लगा दिया? पावर। पावर जान रहे हो ना? जी सर। भैया किसी भी डिवाइस को चलने के लिए पावर चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? चाहिए होगी। तो पावर लगा दिया, अब उसके बाद क्या करेगा? इसको कनेक्ट करेगा ना कंप्यूटर से। तो देखो कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा ये। देखो ऑन हो गया, ऑन कर दिया। ये देखो अब ये केबल है। यस सर। ये क्या है? ये मिडी केबल। तो एक तरफ देखो कौन सा पोर्ट लगा हुआ है, यूएसबी टाइप है, और एक तरफ कौन सा पोर्ट लगा हुआ है? मिडी। ठीक है, इसको मिडी बोल सकते हो, या ये आप कह सकते हो, या तो ये मिनी यूएसबी पोर्ट होगा या माइक्रो होगा। देखो माइक्रो है और ये क्या है? टाइप ए। समझ गए? देखो क्या करने जा रहा, कनेक्ट करने जा रहा। देखो ये कहाँ लगा दिया, टाइप बी माइक्रो कनेक्टर किधर लगा दिया यूएसबी का? लैपटॉप में। लैपटॉप में नहीं, ये कीबोर्ड है, म्यूजिकल वाला कीबोर्ड, म्यूजिकल। हाँ, इसमें लगा दिया। और अब उधर वाली केबल किधर लगाएगा? लैपटॉप में। ये देखो ये वाला लैपटॉप में केवल टाइप ए यूएसबी पोर्ट दिया रहता है। यस जी सर। देखो अब देखो यहाँ पे क्या दिखाने लगा ये, देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे यहाँ देखो क्या दिखा रहा है ये, जो तुम कह रहे थे कि उसको कैसियो कहते हैं, तो कैसियो कंपनी का नाम है जिसने उस कीबोर्ड को बनाया, उस म्यूजिकल कीबोर्ड। और यूएसबी केबल के थ्रू और मिडी पोर्ट के थ्रू वो कनेक्ट हुआ है। ठीक है जी सर। समझ में आई बात? जी सर। तो ये जो मिडी पोर्ट है ये किधर दिया रहता है, कहाँ दिया रहता है? ये अब म्यूजिकल डिवाइस में दिया रहता है, समझ गए? और आजकल हमारे लैपटॉप में क्या दिया है, यूएसबी पोर्ट, जो सबका पापा है, इसमें कुछ भी कनेक्ट कर लीजिए। समझ में आई बात? Yes, क्लियर हो गई ना बात? अब ये यहां से कोई भी म्यूजिक प्ले करेगा ना, तो वो क्या होगा, रिकॉर्ड होगा कहां? कंप्यूटर में। और जब अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसी को लॉन्च कर देगा, तो हम लोग गाना सुनने लगेंगे। ठीक है? Yes. समझ में आई बात? जी सर। तो ये जो मिडी है, मिडी का फुल फॉर्म समझ गए क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को कनेक्ट करती है, किससे कम्युनिकेट कराती है, किससे? Controller. आपके कंप्यूटर देखो क्या कह रहा है कि इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स टू कम्युनिकेट। कि एक मिडी क्या है, कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, एक पोर्ट है, एक कनेक्टर है, एक केबल है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को आपस में क्या करा सकते हैं, कम्युनिकेट करा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है? अब आगे देखो क्या कह रहा है, डज नॉट ट्रांसफर एन ऑडियो सिग्नल और मीडिया। ये क्या कह रहा है कि भैया इससे क्या नहीं, ऑडियो सिग्नल और कोई मीडिया केबल, जैसे नहीं हम लोग यूएसबी केबल लगा के कुछ भी ट्रांसफर वगैरह कर लेते हैं,
जी सर वो सब चीजें ट्रांसफर नहीं होंगी इससे, इससे बस क्या होगी वो डिवाइस उस कंप्यूटर से क्या हो जाएगी कनेक्ट हो जाएगी। और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा मिडी से आप क्या करोगे, साउंड वगैरह निकालोगे, नोट बनाओगे, पिच बनाओगे, लेंथ बनाओगे, अलग अलग तरह के रिदम निकालोगे, तो वो सब रिदम उदम क्या कर सकते हो आप, रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड कर सकते हो। कुल मिला के इतना समझ लो कि अगर आपको कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली डिवाइस कनेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको क्या मिलेगी, एक मिडी केबल मिलेगी। और वो आजकल मिडी केबल कैसी आती है, यूएसबी वाली, और आपको अपने लैपटॉप से अपने कंप्यूटर से उस केबल को जोड़ना होगा और उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली डिवाइस को क्या करना होगा भाई, केबल के दो सिरे होंगे, एक तरफ क्या लगा होगा यूएसबी पोर्ट और एक तरफ क्या लगा होगा मिडी पोर्ट, मिडी पोर्ट, समझ गए। तो मैं देखो आपको फिर से दिखा देता हूँ मिडी केबल, देखो मिडी यूएसबी केबल, ये देखो तो मिडी यूएसबी केबल में देखो ऐसा होगा, एक तरफ ऐसा यूएसबी पोर्ट दिया होगा और एक तरफ ये दिया होगा मिडी पोर्ट, तो ये किधर लगेगा, ये लैपटॉप में, तुम म्यूजिकल कीबोर्ड बोर्ड कीबोर्ड में, हाँ ये म्यूजिकल डिवाइस में लगेगा, और ये आपका किधर लगेगा, लैपटॉप में, लैपटॉप में, समझ गए, ये वाला पोर्ट कहाँ लगेगा, लैपटॉप में, और ये वाला कहाँ लगेगा कनेक्टर, हमारे लैपटॉप में, हमारे लैपटॉप में आपने कभी ये पोर्ट देखा है क्या, ये वाला पोर्ट, ये वाला नहीं देखा, आपने कंप्यूटर में भी नहीं देखा होगा, तो ये पोर्ट होता कहाँ पे, ये म्यूजिकल में होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें होता है। और इस पोर्ट का नाम क्या है, मिडी पोर्ट, क्या नाम है, मिडी पोर्ट, मिडी पोर्ट, हाँ, और ये वाला होता है ना हम लोग के लैपटॉप में, ये वाला पोर्ट, यस सर, यूएसबी टाइप है, तो ये किधर लग जाएगा, लैपटॉप, लैपटॉप में, लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो समझ में आ गई बात, यस सर, समझ में आ गया। अब ये यूएसबी पोर्ट देखो, ये इन आउट सब दिया हुआ है, कुल मिला के जब आप ये कनेक्ट करोगे तो बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएगा, कोई इतना ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि मिडी पोर्ट भी एक होता है, ठीक है, ताकि आप कभी सुनो तो आप कंफ्यूज ना हो गए, अरे ये क्या होता है, समझ में आई बात, यस सर। ये देखो ऐसे, ये देखो इस फिगर को याद रखो बस, देखो दिख रहा है, ये केबल है, यस सर, दिख रहा है, ये देखो ये केबल है, और ये केबल देखो कन्वर्टर है, यूएसबी टू मिडी कन्वर्टर, दिख रहा है, तो ये आपका यूएसबी पोर्ट, अब लैपटॉप में मिडी पोर्ट तो आ नहीं रहा, तो ये कन्वर्टर लग जाएगा, और ये आपको क्या मिल जाएंगे, मिडी कनेक्टर, ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं ना, आप यहाँ केवल लिख दो क्या, मिडी कनेक्टर, क्या लिख दो, मिडी कनेक्टर, तो ये मिडी कनेक्टर दिख रहा है, ये बोलो, यस सर, तो ये मिडी कनेक्टर कहाँ मिलेगा आपको, म्यूजिकल, हाँ म्यूजिकल, ठीक है ना, म्यूजिकल डिवाइस में मिलेगा, ठीक है, बोलो, यस सर, कहाँ बकरी उकरी बोल रही भाई, तरफ बोल रहे हैं, बताओ संजय के, संजय क्या करना है वो वाला, हाँ ये हम तुम लोगों को फोटो दे दें, आप ये समझ में आ गया मिडी, यस सर, तो मिडी कहाँ मिलेगा, म्यूजिकल डिवाइसेस में, ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, यस सर, अब माइक जानते हो सब लोग, यस सर, माइक देखे हो, माइक का काम क्या होता है, बताओ माइक का काम क्या होता है, इनपुट, भाई अगर अभी माइक ना होता लैपटॉप में डालना, अभी अगर माइक ना होता तो क्या आप मेरी आवाज सुन पाते, नो सर, तो माइक का काम होता है, जो क्या कह रहा है, माइक एक टाइप का क्या होता है, ट्रांसड्यूसर डिवाइस होता है, जो साउंड वेव्स को किसमें बदल देता है, इलेक्ट्रिकल वेव्स में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो ये वॉइस सिग्नल है ना, हम तो आवाज जनरेट कर रहे हैं ना, साउंड जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये आप तक कैसे पहुंच रहा है, ये आप तक तो इलेक्ट्रिकल, पहले इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हो,
पहुंच रहा है ये? यस सर। तो माइक का काम होता है वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देना। बोलो सर। तो देखो क्या करें कि माइक एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस होती है, ट्रांसड्यूसर समझ रहे हो ना, कन्वर्ट करने वाली, जिसका काम क्या होता है साउंड वेव्स को, साउंड वेव्स को एकॉस्टियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकॉस्टियल एनर्जी। तो ये जो माइक होता है ये क्या करता है, साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी ऑडियो सिग्नल। समझ में आई बात? और इसमें आगे की तरफ आप देखोगे तो ये लगा रहता है, माइक को कभी खोल के देखोगे ना तो उसके अंदर ये दिखेगा, इसको आप क्या पढ़ा जाए, डायफ्रैगम बोलते हैं। ठीक है, ये देखो कभी माइक को देखोगे तो आगे नहीं गोल सा एक बना रहता है माइक में, कभी भी तुम देखो तो क्या बना रहता आगे, बना रहता है गोल सा। अब तो ये तो जीव विज्ञान वाला हो गया। देखो ये देखो ऐसे माइक में, माइक में भाई माइक में देखो ऐसे बना रहता है ये। आपने कभी माइक देखा होगा तो यहाँ गोल सा कुछ बना होता है। यस सर। तो ये जो गोल सा बना होता है इसके अंदर क्या लगा रहता है, ये देखो इसके अंदर ये लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, देखो ये दिख रहा है, ये सिंबल बना हुआ है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है भाई, तुम्हारे तरफ दिक्कत है दोस्त, अगर हमारे तरफ दिक्कत होता तो सबको होता ना, पर स्क्रीन तो शेयर है, नेटवर्क हमारा स्लो बहुत चल रहा है सर। स्क्रीन शेयर है दोस्त, स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन नहीं शेयर है क्या जी? है सर, स्क्रीन शेयर है सर, स्क्रीन शेयर है भाई। देखो तो मैं क्या बता रहा हूँ कि माइक के अंदर क्या लगा रहता है, डायफ्रैगम। ठीक है, डायफ्रैगम जो होता है ये एक थिन पीस होता है। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, विच इज अ थिन पीस ऑफ मटेरियल, एक पतला सा मटेरियल होता है जो क्या करता है, जो ये काम करता है क्या, आपकी साउंड वेव्स को किसमें बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स। मालूम है जब हम लोग बोलते हैं ना तो वो डायफ्रैगम जो है वो, देखो माइक के अंदर अगर कभी आप माइक खोल के देखोगे, देखो ध्यान दो, अब माइक इतना छोटा होता है कि आप उसको कभी खोलोगे तो उसके अंदर आपको बहुत छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे, इनसाइड अ माइक। इनसाइड अ माइक्रोफोन देखो क्या क्या होता है, देखो माइक्रोफोन के अंदर क्या होता है, मैं तो पूरा ही बता दे, देखो। हेलो फ्रेंड्स, एक इसे डायरेक्ट इसमें फंसाते हैं और इसको हम एम्पलीफायर में लगा देते हैं, कॉल लगा होता है जो हमारी वॉइस को फिल्टर करता है। देखिए अब देखो इसको खोला तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है भाई, माइक देखे हो तुम लोग कि नहीं देखे हो कभी? देखे सर, देखे सर। माइक देखे होगे कभी भी तो उसके आगे गोल सा ऐसा कुछ लगा रहता है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या है, ये जो गोल सा लगा हुआ है, देखो मिला, अब इसके अंदर कुछ नहीं होता है, जो गोल सा लगा हुआ है ना वो फिल्टर करने के लिए, उसके अंदर बस लगा हुआ है फिल्टर करने के लिए, जैसा कि आपने देखा इसके अंदर थर्माकोल लगा होता है, समझ रहे हो, तो इससे आपकी आवाज जो होती है वो छन के जाती है अंदर, जो हमारी वॉइस को फिल्टर करता है। देखिए स्पंज टाइप से लगा हुआ है जो हमारी अनवांटेड नॉइस को रोकता है। समझ गए?
अनवांटेड नॉइज समझ रहे हो ना कि बाहर जितने अभी वो बोल रहे थे तो बकरी की आवाज आ रही थी। यस सर। ये चाहेंगे क्या कि बकरी की आवाज आए इसमें? नहीं। हाँ तो अनवांटेड नॉइज का मतलब जो फालतू की आवाजें आ रही होती हैं उसको रोकने के लिए ये फोम वोम लगा रहता है इसमें। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये रहा हमारा मेन माइक्रोफोन। ओके ये यहाँ से टूट चुका है, देखो खराब है इसीलिए खोल रहा है। मेन माइक्रोफोन है ये, इस टाइप से यहाँ पे दो कनेक्शन है इसकी। अगर वो तुमको माइक के अंदर का ये पार्ट दिखाते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको? बोल नहीं रहे हो तुम? इन माइक देखो, देखो Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays. देखो Because the microphone is the first link in the audio chain, pick up audio mic electrical characteristic. These fall into four general categories. In this set, a dynamic microphone, sound waves strike a... देखो ये क्या लिखा हुआ है, diaphragm लिखा है और क्या लगी हुई, voice coil, magnet, तो ये सब चीजें लगा के ही माइक बनता है। ये जो diaphragm है यही सबसे important चीज़। Thin plastic diaphragm and cause it to vibrate. ठीक है? A coil of wire attached to the back of the diaphragm vibrates along with it. समझ में आई बात? बोलो भाई। जी सर। अरे यार कभी भी तुम माइक देखते हो, माइक देखे हो ना सब लोग? जी सर देखे हैं। देखो फोन का माइक बहुत छोटा होता, फोन का माइक देखो बहुत छोटा सा होता है, फोन के अंदर जो माइक होता है। अच्छा ये सब माइक तो देखे ही होगे, ये बोया होया वाला सर देखे हैं। तो ये जो आपको आगे ये जो दिख रहा है व्हाइट ब्लैक कलर का जो फोम लगा हुआ है, इसके अंदर क्या होगा? फिल्टर करने का। इसके अंदर वो तो जो फोम लगा हुआ वो फिल्टर करेगा, इसके अंदर ये होगा, ये डायफ्रेम। ठीक है? अब ये थिन पीस मटेरियल होता है जिसका काम क्या होता है, विच वाइब्रेट्स व्हेन स्ट्रक बाय साउंड वेव्स। अब ये डायफ्रेम जो है ना यही वाइब्रेट करता है जब आप बोलते हो तो माइक के अंदर ये डायफ्रेम जो होता है ये वाइब्रेट करने लगता है और उसी से क्या बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आई बात? और तभी आप माइक में बोल रहे होते तो वो आवाज अंदर कंप्यूटर के जा रही होती और फिर वो आप तक ट्रांसफर हो रही है। समझ में आ रही बात? और देखो ये छोटे छोटे माइक आते हैं, इतने छोटे छोटे। कुल मिला के देखो इतना समझो कि माइक क्या है, माइक से क्या कर सकते हैं हम, बोलो। ऑडियो को इन कर सकते हैं। हाँ, ऑडियो को इन कर सकते हैं, ऑडियो को इन कर सकते हैं। माइक, माइक का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोफोन। ठीक है? इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने साउंड वेव्स को, अपने वॉइस को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं माइक की मदद से, या माइक की मदद से ही हम अपनी वॉइस को ट्रांसफर करते हैं। जैसे अभी हम अपनी अपनी वॉइस आप तक ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो अगर हम अपने लैपटॉप में से माइक निकाल दें या माइक का ड्राइवर हटा दें तो क्या मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी? नो सर, नहीं पहुंचेगी। तो भैया माइक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जब आपको अपने साउंड को, अपनी वॉइस को कंप्यूटर के अंदर भेजना हो या कंप्यूटर के थ्रू कहीं और ट्रांसफर करना हो। तो फोन में अगर माइक खराब हो जाएगा क्या तुम किसी से बात कर पाओगे? नो सर, नहीं बात कर पाओगे। भैया उधर से आवाज आएगी, स्पीकर में आवाज सुनाई देगी, इधर से बोलोगे उधर कुछ सुनाई नहीं देगा। यस सर। इसी तरह आपके लैपटॉप में अगर माइक खराब हो जाए या माइक ना हो तो आप क्या, अभी हम मीटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, कर पाएंगे? नो सर, नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? तो माइक आपका काम करेगा तभी आप अपने साउंड वेव्स को
अपने वॉइस को ट्रांसफर कर पाएंगे या अपने कंप्यूटर में इन कर पाएंगे। क्लियर हुई बात? यस सर। बाकी माइक तमाम तरह के माइक आते हैं, यूएसबी वाले माइक भी आते हैं, समझ रहे हो? यस सर। उसको एक्सटर्नल माइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल माइक। एक्सटर्नल। और आपसे कोई पूछे माइक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है तो आप क्या बताओगे? डायफ्रेम। क्या बोलोगे? डायफ्रेम। डायफ्रेम जैसे हम लोग बोलते हैं ना। यस सर। अगर हम लोग जैसे कई लोगों को देखे होगे बोल नहीं पाते, देखे हो ऐसे कभी किसी ऐसे से मिले हो जो गूंगा हो? सर मिले हैं। यस सर। जो गूंगे लोग होते हैं उनका क्या खराब होता है? उनका माइक खराब होता है। उनका डायफ्रेम खराब होता है। देखो ये डायफ्रेम अगर आप ऐसे सर्च करोगे ना तो आपका ये डायफ्रेम होता है, ठीक है? देखो दिखा रहे डायफ्रेम, ह्यूमन डायफ्रेम। देखो ये अब ये खराब रहेगा तो आप बोल नहीं पाओगे। yes, इसी तरह माइक में भी क्या खराब हो जाता है? जैसे आप बहुत तेज तेज बोलोगे ना माइक में तो उसका डायफ्रेम फट जाएगा। yes, sir. समझ रहे हो? yes, sir. क्यों? क्योंकि डायफ्रेम वाइब्रेट करता है जब आप बोलते हो ना, तो डायफ्रेम क्या होता है जब आप इसमें बोल रहे हो तो डायफ्रेम वाइब्रेट कर रहा होता है, समझ रहे हो? yes, ये देखो। और डायफ्रेम जो होता है बहुत लोहे वोहे का नहीं बना होता है, वो एकदम समझ लो बहुत बहुत ही नाजुक होता है एकदम, समझ रहे हो? और ये जो आप देख रहे हो ना इसके ऊपर ये जाली वाली जो लगाए रहते हैं लोग, ये जाली वाली क्यों लगी रहती माइक के ऊपर? आवाज को फिल्टर करने के लिए। हाँ, आवाज को फिल्टर करने के लिए, ताकि बकरी की आवाज अंदर ना जाए, ठीक है? समझ में आई बात? बाकी आपने कभी म्यूजिक स्टूडियो वगैरह? सर अभी तक कुछ दिखाई नहीं। ये भगवान, इनका एक अलग ही दिक्कत है, दिखाई नहीं दे रहा। तो यार तुम एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो ना सर, कहिए फिर से ज्वाइन करें। और क्या, एक बार डिस्कनेक्ट हो फिर कनेक्ट हो जाओ। अगर हमारे एंड से दिक्कत होती तो भैया वो सबको होती ना जी। यस सर। देखो भैया यही डायफ्राम है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। देखो माइक के अंदर यही होता है सबसे मेन पार्ट। तो कई तरह के डायफ्रेम आते हैं। देखो जैसे रिबन डायनेमिक माइक्रोफोन डायफ्रेम है, और ये क्या है? मूविंग क्वाइल डायनेमिक डायफ्रेम। तो ये लिंक भेज दे रहे हैं, एक बार देख लेना इसको, या फोटोज ही भेज देते हैं। तो ये माइक के अंदर आपको यही मिलेगा क्या? डायफ्रेम। नाम भी सब ऐसा इधर रख देते हैं कि आदमी ले ना पाए, कुछ और नाम रख दिए होते भाई, इतना भयंकर रखने क्या जरूरत थी? अब देखो इधर ध्यान दो। अब हम लोगों को क्या ध्यान देने लायक है? हम लोगों को ध्यान ये देने लायक है कि यहां जब मैनेज में जाते हैं ना हम लोग, डिवाइस मैनेजर में, बोलो। जी सर। तो देखो इसके अंदर आपको सारी डिवाइसेस दिखाई देती हैं, दिख रहा है? जी सर। इसी के अंदर साउंड डिवाइसेस दिख रही हैं, दिख रहा है? ऑडियो डिवाइस। इसी के अंदर देखो कहीं माइक वाइक भी होगा, ये तो माइस है। माइस और माइक में अंतर पता है ना? माइस यानी माउस। माउस। जी सर। हाँ, माइक की स्पेलिंग MIC होगी केवल। अब इसके अंदर माइक भी यार होना चाहिए। ये तो वेबकैम हो गया, ये वेबकैम है, दिख रहा है HP का? यस सर। और माइक कहाँ है भाई? माइक चाहिए, माइक। यहां से सर्च करते हैं। देखो ये दिख रहा है सेटअप और माइक्रोफोन, दिख रहा है? माइक दिख गया, अदर।
तो यहाँ देखो डेस्कटॉप माइक्रोफोन या अदर आप जो भी माइक्रोफोन यूज करना चाहो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको माइक्रोफोन या तो इनबिल्ट हो। अब देखो लैपटॉप का इनबिल्ट माइक, देखो इनबिल्ट माइक ऑफ इन लैपटॉप, लैपटॉप में देखो इनबिल्ट माइक कहाँ होता है, देखो ये वेबकैम के पास ही होता है एकदम, दिख रहा है ये देखो। अभी हम जो बोल रहे हैं तो आप तक आवाज जा रही है ना? जी सर। यस सर। देखो ऐसे आपको लैपटॉप में एकदम वेबकैम के बगल में ही माइक लगा रहता है ये। खुल जाओ भाई। क्या हुआ दिखा विद्यासागर? कनेक्ट नहीं हुआ विद्यासागर कनेक्ट नहीं हुए। कनेक्ट तो है सर विद्यासागर, बोल रहा नहीं है वो, पता नहीं उसको स्क्रीन नहीं दिख रही क्यों। देखो भाई कुछ लैपटॉप में आपको माइक कहाँ लगा हुआ मिलेगा, ये दिख रहा है? यस सर। कुछ लैपटॉप में आपको एकदम वेबकैम के बगल में मिलेगा, दिख रहा है ये देखो? यस सर। कहाँ कहाँ कहाँ? ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है ये? हेलो। यस सर। दिख रहा है। और कुछ लैपटॉप में आपको माइक कहाँ मिलेगा भाई? देखो माइक जहाँ भी लगा होगा वहां पे एक हल्का सा क्या बना होगा, होल, होल जरूर बना होगा, ठीक है? कुछ लैपटॉप में आपको यहाँ नीचे की तरफ मिलेगा। और अगर आपके लैपटॉप का माइक खराब हो गया है, ठीक है, अगर आपके लैपटॉप का माइक खराब हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, अलग से माइक कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी माइक आता है, यूएसबी माइक, देखो ये यूएसबी माइक आते हैं, दिख रहा है? यस सर। आपने अक्सर यूट्यूबर वगैरह को देखा होगा यूज करते हुए। यस सर, यस सर, यूट्यूबर करते हैं। हाँ। ये कोई है जो डिस्टर्ब करने लगा, संजय सहनी है? नहीं सर मैं नहीं हूँ। तुम्हारा ही माइक खुला हुआ है, एक्सटर्नल माइक, वो एक्सटर्नल माइक इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन एक्सटर्नल माइक इंस्टॉलेशन, देखो अलग से माइक कैसे इंस्टॉल करेंगे। देखो अब देखो बोया का माइक बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग, बोया का, समझ रहे हो? जिंदगी के सफर में हद से ज्यादा मेहनत मशक्कत की तो लोगों ने नाम रखा पोलो का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे से होंगे। ये देखो प्रॉपरली ये आपको प्रॉपर साइड में रखना है। अगर ये देखो दिख रहा है बोया का माइक? यस सर। अब देखो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, देखो ये मैं आपको कनेक्ट करके दिखाया भी था एक बार, याद है? देखो आपके लैपटॉप में, आपके लैपटॉप में पोर्ट दिया रहता है अलग से माइक विक लगाने के लिए, माइक इन पोर्ट दिया रहता है, दिया रहता है, तो वो माइक इन पोर्ट में ये सब लगता है माइक विक,
समझ गए जी सर। और आजकल जो वेबकैम मैं बता रहा था ना, एक्सटर्नल वेबकैम, एक्सटर्नल वेबकैम बता रहे थे ये yes. ये भी आप लोग है ना, तो इसके साथ आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर इनबिल्ट माइक मिलेगा, तो आप वेबकैम लगाओगे तो वेबकैम के साथ आपको माइक फ्री मिल जाएगा, इसी के साथ इंटरनल रहता है। क्यों? क्योंकि भाई वेबकैम किस लिए ले रहे हो आप? ऑनलाइन मीटिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए। तो भैया ऑनलाइन मीटिंग बिना माइक के तो होगी नहीं, नहीं सर। और ये वेबकैम जरूरी तो नहीं कि आप लैपटॉप में यूज करो, मशीन हो सकता है आप डेस्कटॉप में लगा रहे हो, समझ रहे हो? तो इस वेबकैम के अंदर आपको माइक भी मिलेगा और अलग से भी माइक आप खरीद सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब एक्सटर्नल माइक बहुत तरह के आते हैं, अब वीडियो में दिख नहीं रहा है, नहीं तो दिखाते आपको। माइक सेटअप, इंस्टॉलेशन, ये देखो, ये माइक देखो। सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अश्विन हियर, और आज के इस वीडियो में यार हम अनबॉक्सिंग और सेटअप करने वाले हैं पी फोन के, बहुत बैड उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो फटाफट यार बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स में सबसे पहले देखो, ये पूरा स्टैंड सब मंगाया है, दिख रहा है आपसे, जैसा तुम देख सकते हो माइक्रोफोन है, एंड इसके यार पूरी तरह से मेटल की बिल्ड है इस प्राइस के हिसाब से। अब यार फटाफट इसका सेटअप की बात करें ताकि वो बिल्कुल मूव ना करे, प्रूव होगा आपको पूमा के अंदर लगाना है। जब अपना यहाँ पे है वो है XLR केबल को कनेक्ट करना, ये भी बहुत इजी काम है। XLR केबल पे एक छोटा सा क्लिप सी है, वो आपके डायरेक्टली माइक्रोफोन में अलाइन करके आपको स्ट्रेट उसके अंदर लगानी है, एंड वो अचानक जो क्लिप होगी वो अपने आप ही लॉक हो जाएगी अपनी जगह पे, एंड माइक्रोफोन पे आपका XLR केबल कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे देख सकते हो नीचे से थोड़ा सा प्रेशर लगाओ एंड यार आराम से तुम्हारा वो लग जाएगा, एंड जैसे देख सकते हो यार मेरी XLR केबल माइक्रोफोन से कनेक्ट हो चुकी है। अब यार जो आखिरी स्टेप है अपना वो है इस केबल को सिर्फ मैनेज करना। अब तुम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जितनी केबल तुम्हें चाहिए उतनी रखो, बाकी यार चाहो तो उसे ये केबल मिलेगी माइक के साथ, समझ गए? अब इस केबल के एक एंड की तरफ देखो, देखो दूसरे एंड की तरफ हमेशा क्या रहेगा, ऐसा एक दिया रहेगा, दिख रहा है? फोन पे तुम चाहो तो यार नंबर लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, मतलब तुम्हारी मर्जी है, विंड स्क्रीन यूज करना तो कहूंगा कर लो यार, कुछ तो अच्छा काम कर ही देगा। अब बात आती है तुम्हें अपने लैपटॉप में इसे यूज कैसे करना है या कंप्यूटर पे अपने यूज कैसे करना है, तो इसकी जो 3.5 mm की केबल तुम्हें एक साइड से मिलती है उसे देखो, दिख रहा है एक तरफ कौन सा जैक मिलेगा तुमको, बोलो भाई, सो गए क्या तुम लोग? नहीं सर। एक तरफ कौन सा जैक मिलेगा 3.5 mm, कौन सा? 3.5 mm, समझ गए? यस सर। अपने यूएसबी साउंड कार्ड के माइक्रोफोन इन वाले पार्ट में तुम्हें लगाना है, जैसे देख सकते हो मैंने इसे लगा लिया, एंड यार तुम्हें सीधा अब ये यूएसबी पोर्ट अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा लेना है। लग गया? कोई सरदर्द नहीं है यहाँ पे ड्राइवर से इंस्टॉल करने का, की सेटअप नहीं करना, तुम्हें लगाओ प्लग एंड प्ले हो जाएगा आराम से। हो सकता है कि तुम्हें पहली बार थोड़ा सा सेटअप करना पड़े, तो ज्यादा सिंपल है, तुम्हें सिर्फ इसे इनपुट करना है, एंड देन यार नीचे की तरफ तुम्हें जो विंडोज में राइट साइड में नीचे की तरफ स्पीकर का आइकन मिलता है उस पर राइट क्लिक करना है, रिकॉर्डिंग्स में जाना है, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में जाना है, एंड देन वहां पे तुम्हें देखो यहां माइक शो होने लगा, दिख रहा है? यस सर। कुल मिला के भैया देखो केबल का एक सिरा जो होगा हमेशा कैसा होगा, 3.5 mm वाली केबल होगी, कौन वाली? 3.5 mm केबल, 3.5 mm केबल दिख रहा है? ये ऐसी केबल मिलेगी जैसे हेडफोन में होती है ना, हेडफोन में यस सर, ईयरफोन वगैरह कनेक्ट करते हो ना, तो यही वाली केबल yes, को कनेक्ट करते हो। इसी तरह yes, बोया का माइक खरीदोगे, बोया का देखो, बोया वाला कहाँ गया, यहीं कहीं था बोया विद्यासागर, दिख रहा है वीडियो? अभी को दिखा सर, अभी को आधे घंटे से परेशान दिख ही नहीं रहा था।
अरे तो भैया तुम्हारे एंड से प्रॉब्लम है, नेट नहीं चल रहा, उसमें कोई क्या करेगा, तुम बताओ। देखो ये बोया का माइक है, तो ये जो दिख रहा है आपको जैक, ये जो जैक दिख रहा है ना आपको, यस सर, ये जो जैक दिख रहा है, ये जैक इसी को बोलते हैं, कौन सा जैक, 3.5। और ये जैक, ये केबल आपको कहाँ लगानी है बताओ, अपने सिस्टम में ऑडियो पोर्ट्स होते हैं, ऑडियो पोर्ट्स, तो ऑडियो पोर्ट्स में तीन तरह के पोर्ट होते हैं ना, ये तीन, यस सर, एक होता है आपका, देखो माइक दिख रहा है, ये माइक वाला, यस सर, यस सर, इसी में लगेगी वो केबल, यस सर, वाले में, ये जो आप माइक वाले में, पिंक कलर का, पिंक कलर का, उसी में, यस, ठीक है ना, बोलो, यस सर, देखो माइक का सिंबल भी बना हुआ है, दिख रहा है, यस सर, पिंक कलर वाले में आपको माइक लगाना, हमेशा याद रखिए, पिंक कलर वाले में, किसमें, पिंक कलर का दिख रहा है, हाँ पिंक कलर का जो दिख रहा है उसमें लगाना माइक, समझ गए, यस सर, माइक इंस्टॉल कर लोगे ना, यस सर, माइक को चेक कैसे करोगे, माइक को चेक कैसे करोगे दोस्त, कोई सर साउंड ऑन कुछ बजा के, साउंड बजा के स्पीकर चेक होता गधा, माइक चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माइक देखो, माइक में जोड़ना पड़ेगा सर, देखो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, यहाँ साउंड में जाना है, ठीक है, यहाँ राइट क्लिक करना और चले जाना कहाँ पे, साउंड्स में, ये साउंड्स आ गया, बोलो, yes. Yes, क्या, देखो यहाँ माइक दिख रहा है, ये देखो दिख रहा माइक, ये यस सर दिख रहा ना, ये तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यस सर, ठीक है, यस सर, बाकी आप यहाँ से सर्च करके भी चेक कर सकते हो माइक, यहाँ से सर्च करोगे माइक, तो देखो सेटअप में माइक आने लगा, तो लगा yes, लोगे sir. तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, तो नेक्स्ट करोगे, ये देखो बोल रहे हैं, तो ये जब बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ग्रीन हो रहा है ना, यानी मेरा माइक क्या हो रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, यस सर, कितना क्लियर हुआ, यस सर, यस सर, यस सर, अब इसके देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, केवीएम स्विच, अब ये केवीएम स्विच क्या होता है ध्यान से समझो, केवीएम स्विच के थ्रू आप बहुत सारे कंप्यूटर को एक ही मॉनिटर पे एक्सेस कर सकते हो, समझ रहे हो, यस सर, नहीं समझे, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टैंड फॉर कीबोर्ड वीडियो माउस, क्या बोलते हैं, केवीएम स्विच का फुल फॉर्म क्या है, तुम लोग कीबोर्ड वीडियो माउस, तुम लोग कहाँ तक लिखे हो, ये नहीं लिखवाए भाई, देखो इसमें तुम लोगों को क्या क्या समझ में आ गया ये बताओ, ये समझ में आ गया वेबकैम, डिजिटल कैमरा, यस सर, माइक्रोफोन, ये सब समझ में आ गया तीनों, यस सर, स्पीकर जानते ही हो भैया, स्पीकर बताने की जरूरत नहीं है, कि इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप ऑडियो निकाल, हाँ ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस, इससे ऑडियो बाहर आता है, ठीक है, माइक क्या है, इनपुट डिवाइस, क्लियर हुई बात, यस सर, अब देखो एक चीज बची है, क्या, केवीएम स्विच, क्या, केवीएम स्विच, अब देखो केवीएम स्विच का काम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कीबोर्ड वीडियो माउस, केवीएम का मतलब क्या, कीबोर्ड वीडियो माउस, कीबोर्ड वीडियो माउस, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, कनेक्ट्स कीबोर्ड माउस एंड वीडियो डिस्प्ले टू मल्टीपल कंप्यूटर्स, अलाउ यूजर टू कंट्रोल मल्टीपल कंप्यूटर्स विद ओनली अ सिंगल सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, नहीं समझे, जैसे अभी इसको देखोगे ना, इसका यूज तो समझ जाओगे, ये देखो समझो इसका यूज, अगर आप मार्केट से केवीएम स्विच खरीदोगे तो क्यों खरीदोगे,
कभी नाम सुने हो इसका केवीएम स्विच का? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ देखो केवीएम स्विच वो क्या करेगा, केवीएम स्विच से क्या होता है, केवीएम स्विच, केवीएम स्विच तो केवीएम स्विच से क्या होगा, तो क्या कह रहा है यहां? डूड वी जस्ट हिट अ जैकपॉट। अरे वो अपना 701 वाला सीनियर, ये देखो। हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर YouTube चैनल आईडी। यहां क्या लिखा हुआ है, मैनेज 4 पीसी बाय सिंगल मॉनिटर यूजिंग 4 पोर्ट केवीएम स्विच, समझ रहे हो? इसका मतलब समझ में आया? हाँ राजन बोलो। सर रिकनेक्ट हो गया, कनेक्टिंग नहीं हो रहा है सर। क्यों चार बिना हो गया, नहीं कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों खुल ही नहीं रहा है सर। ये तो तुम्हारे नेट की दिक्कत होगी, तो पता नहीं सर। अब 7 बजे जो रिकनेक्ट हुआ है, सबसे 4 मिनट हो गया कनेक्ट कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। एक बार फिर से ट्राई करो। ठीक है सर, कर रहे हैं। भाई देखो इधर ध्यान दो, ओवर करेंगे क्लास। अब केवीएम स्विच समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास 4 कंप्यूटर है, ठीक है? चार कंप्यूटर का मतलब चार आपके पास ये हैं, 4 कैबिनेट्स, 4 डेस्कटॉप्स हैं, कैबिनेट 4 डेस्कटॉप्स हैं, ठीक है? 4 डेस्कटॉप्स हैं। अब देखो 4 डेस्कटॉप को एक स्क्रीन से अगर कनेक्ट करना हो, एक मॉनिटर से, तो कैसे करेंगे? नहीं समझे? जैसे मान लो ये बंदा बैठा है, ये दिख रहा है, ये एक से 4 कंप्यूटर चला रहा है, यस सर, एक ही मॉनिटर पे और एक ही कीबोर्ड और एक ही माउस, यस सर। बताओ कैसे? केवीएम स्विच के थ्रू। किसके थ्रू? केवीएम सर। हाँ, केवीएम स्विच के थ्रू। देखो अभी इस वीडियो को देखेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा केवीएम स्विच का यूज। देखो सपोर्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन कनेक्ट। इस तो इसके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 4 केवीएम, 4 पोर्ट केवीएम स्विच। अब देखो ये कितने पोर्ट का केवीएम स्विच है? 4 पोर्ट का। हाँ देखो इसमें VGA केबल, मिनी यूएसबी पोर्ट होते हैं, यहाँ होता है स्टॉप टू। अब देखो हमारे पास कितने डेस्कटॉप हैं? 4। और इन 4 अभी देखो हमें क्या करना, अगर मान लो इन 4 पे हम मॉनिटर लगाए, कीबोर्ड लगाए, माउस लगाए, तो 4 पे खर्चा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और फिर हमको कूद कूद के जाना पड़ेगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। मान लो हम सिंगल इसको 4 को हम ही को चलाना है, बताओ इन 4 को एक ही बंदे को चलाना है, केवीएम के थ्रू कनेक्ट करना है। 4 को एक ही बंदे को चलाना है, चारों कंप्यूटर्स को, तो अगर हम 4 जगह मॉनिटर लगाएं, 4 जगह कीबोर्ड लगाएं, माउस लगाएं, तो एक तो हमारा कॉस्टली पड़ेगा, यस सर, और दूसरा उसको कभी यहाँ जाना पड़ेगा, कभी वहां जाना, दिन भर परेशान नहीं हो जाएगा वो? यस सर, परेशान नहीं होगा। इसके लिए क्या यूज किया जाता है? KVM स्विच। अब देखो ये क्या करेगा, इस KVM पोर्ट पे कनेक्ट करना है, इसी तरीके से आपको डेस्कटॉप। देखो क्या कह रहा है कि भैया यहाँ से VGA केबल, यहाँ से एक VGA केबल निकल के आएगी, इसमें कनेक्ट हो जाएगी, USB केबल निकल के आएगी, इसमें कनेक्ट हो जाएगी, दिख रहा है? Yes, ऐसी 2 केबल आपको कनेक्ट करनी है इस स्विच में, एक USB वाली डेटा केबल और एक VGA केबल। और फिर यहाँ पे एक और VGA पोर्ट दिया होगा, उससे मॉनिटर कनेक्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको दिया होगा, फिर यहाँ पे देखो एक बटन लगा हुआ है, तो इस बटन को दबाओगे ना तो कभी ये वाला डेस्कटॉप एक्सेस होगा, फिर दोबारा दबाओगे तो ये वाला एक्सेस हो जाएगा, फिर दोबारा दबाओगे तो ये वाला हो जाएगा, बारी बारी से सब एक्सेस होंगे, और चाहोगे तो 4 एक साथ एक्सेस हो जाएंगे। जैसे ये देखो ये भाई साहब एक्सेस करके चला रहे हैं एक साथ। Yes, sir. तो केवीएम स्विच का यूज समझ में आया क्या है?
यस सर सब चार एक साथ कई कंप्यूटर आपको चलाने हो और एक ही कीबोर्ड से एक ही माउस से और एक ही मॉनिटर से तो आप क्या यूज करेंगे केवीएम 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 ठीक है केवीएम सिस्टम यूज करेंगे ठीक है यस सर कर लोगे ना यस सर अब देखो कैसे करना ध्यान दो अरे यार वो कहाँ गई फोटो उसकी फोटो एकदम अच्छे से खुलती तो मजा आ जाता केवीएम स्विच यूज केवीएम स्विच देखो ऐसे ज्यादा के भी आते हैं ठीक है केवीएम स्विच यस सर 8 पोर्ट का है ये दिख रहा है इससे आप 8 कंप्यूटर एक साथ चला पाओगे एक ही मॉनिटर समझ रहे हो बात को यस सर इसकी जरूरत कब पड़ेगी जब चार कंप्यूटर का एक स्क्रीन पे हाँ जब चार देखो ऐसा होता है कुछ दिख रहा है यस सर देखो ये हो गया आपका केवीएम स्विच आपने एक मॉनिटर लगाया एक कीबोर्ड लगाया एक माउस लगाया और ये तीनों ही कंप्यूटर को आपने किससे जोड़ दिया एक केवीएम स्विच से तो आप इसमें एक स्विच लगा होगा इसमें एक बटन लगी होगी बटन दबाओगे तो एक बार में ये एक्सेस होगा फिर बटन दबाओगे तो ये एक्सेस होने लगेगा फिर बटन दबाओगे तो ये एक्सेस होने लगेगा तो आप तीनों पे एक साथ काम कर पाओगे समझ में आई बात सीपीयू एक ही रहेगा ना सीपीयू तीन रहेगा बाबू मॉनिटर और कीबोर्ड माउस एक रहेगा यस नहीं समझ में आया आ गया सर समझ में क्या समझ में आया कि सीपीयू एक रहेगा मॉनिटर सीपीयू चार जितना रहेगा उसका केवीएम से जो कीबोर्ड माउस एक रहेगा वो ऐसे समझो जैसे ये केवीएम स्विच है अब देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास दो ही कंप्यूटर है दोनों को हम एक ही मॉनिटर पे चलाना चाहते हैं तो हम एक दो पोर्ट का केवीएम स्विच खरीदेंगे yes. समझ रहे हो और yes, यहाँ से एचडीएमआई केबल या वीजीए केबल किसमें लग जाएगी इस केवीएम स्विच में ठीक है yes, sir. और यहाँ से एचडीएमआई और यूएसबी केबल फिर इसी में लग जाएगी और ये हमारा क्या कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से कीबोर्ड माउस और मॉनिटर समझ गए यस सर यस सर अब एक ही मॉनिटर एक ही कीबोर्ड एक ही माउस से कितने कंप्यूटर चला रहे हैं दो नहीं समझ में आया आ गया सर देखो यहाँ ये दिख रहा है ये ओरिजिनल देखो ओरिजिनल बोलो दिख रहा तुम बहुत देर बाद बोले हो राम प्रवेश कहाँ चले गए थे सर हैं तभी से सुन तो रहे टू लैपटॉप टू वन मॉनिटर अब देखो यहाँ पे बता रहा देखो केवीएम स्विच सेटअप दो लैपटॉप है इसके पास और वो चाहता है क्या कहाँ चला पाए मॉनिटर में एक ही मॉनिटर पे yes. Trying to juggle a work laptop and your personal laptop. It's gonna make your life. देखो क्या कह रहा है कि भैया इसके बाद एक वर्किंग वाला लैपटॉप है इसका पर्सनल लैपटॉप तो ये चाहता है दोनों को एक ही मॉनिटर पे चलाना ठीक है देखो कैसे चलाएगा So much easier. This video is only if you want to use one external monitor. If you have two computers and two monitors, you're gonna need a completely different KVM, and we're gonna link that in the video description below. Before we dive in, here are the timestamps if you want to jump ahead. That we're going to use to connect a webcam as well as a headset and show you guys how to set these up to teleconference with either computer. Well, by pressing the input number you want to select. Whichever device is selected will have access to every... अभी इस मॉनिटर पे कौन सा लैपटॉप एक्सेस हुआ है? ये वाला, दिख रहा है?
अरे भाई इस मॉनिटर पे यही वाला ना लैपटॉप अभी एक्सेस हुआ है। यस सर। यस सर। अभी इसके बाद एक रिमोट था ना इसके एबीएम स्विच का। यस सर। यस सर। तो इसने रिमोट से प्रेस किया तो अभी इस मॉनिटर पे कौन सा लैपटॉप एक्सेस होने लगा? ये वाला। ये वाला। फिर ये बटन दबाएगा तो आपकी कौन सा लैपटॉप एक्सेस होने लगेगा? ये वाला देखना। और कीबोर्ड माउस इसने एक ही रखा है, इसी कीबोर्ड माउस और इसी मॉनिटर से दोनों मशीनें चलाएगा एक साथ, देखना ध्यान से। Thing plugged into the KVM, including the mouse and keyboard, and any devices you have plugged into the UM. अभी देखो ये वाला लैपटॉप चला रहा है, ये वाला। कौन वाला? ये वाला। ब्लू वाला। उसी कीबोर्ड माउस को इसको भी चलाएगा। क्यों? क्योंकि इसने देखो दोनों लैपटॉप को क्या कर रखा है, देखो ये दोनों लैपटॉप को केबल से जोड़ रखा है केवीएम स्विच से। कौन कौन सी केबल लगी होगी? एचडीएमआई केबल और यूएसबी केबल। कौन कौन सी केबल? एचडीएमआई, यूएसबी, यूएसबी। ठीक है, और जब आप केवीएम स्विच खरीदोगे ना तो उसके साथ मिलेगा आपको केबल्स। ठीक है, तो लैपटॉप में एचडीएमआई पोर्ट भी होता है, यूएसबी पोर्ट भी होता है, तो वो केबल को एक केबल एचडीएमआई वाली एचडीएमआई पोर्ट में, यूएसबी वाली यूएसबी पोर्ट में। इसी तरह इसमें भी एचडीएमआई वाली एचडीएमआई पोर्ट में और यूएसबी वाली यूएसबी पोर्ट में, समझ गए? यस। और फिर इस केवीएम स्विच के साथ आपको क्या मिलेगा? एक रिमोट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिमोट। रिमोट। तो रिमोट पे आप नहीं जैसे चैनल बदलते हो टीवी पे। यस सर। जी सर। चैनल बदलोगे ना तो एक बार में ये लैपटॉप एक्सेस होगा, एक बार में ये एक्सेस होगा। जैसे मान लो ये दो पोर्ट का केवीएम स्विच है, ऐसे ही मान लो कितने पोर्ट का होता? चार पोर्ट का। तो आप कितने सिस्टम कनेक्ट करके चला पाते? चार कनेक्ट करके। देखो जंप ड्राइव, दिस केवीएम हैज ईडीआईडी विद डायनामिक डिवाइस मैपिंग व्हिच इज अ फैंसी वे ऑफ सेइंग द कंप्यूटर्स। अब किसको एक्सेस कर लिया? ये इस वाले लैपटॉप को। ध्यान से देखो यहाँ पे दोनों पे, इसीलिए इसने वॉलपेपर अलग अलग लगा रखा है। केवीएम हैज ईडीआईडी विद डायनामिक डिवाइस मैपिंग which is a fancy way of saying the computers will keep the windows and the icons in the same place when using another computer. This makes it very convenient to use one external monitor while still having access to other laptop screens. All right, let's get into the unboxing, and after that we're going to show you how we set everything up. It's pretty straightforward. Ab dekho ye sab kuch karne ja raha hai, dekho. So we open up the box. We've got our manual, our KVM. Underneath the KVM we have the rest of the contents. We have two KVM cables, the remote control, and the AC adapter. देखो मिला क्या क्या मिला है? एक तो मैनुअल मिलेगा, मैनुअल मतलब बुक जो मिलती है साथ में, KVM स्विच, दो केबल मिल जाएंगी, एक रिमोट मिल जाएगा, केबल केबल, एक रिमोट पावर देने के लिए, जैसे चार्जर। अब देखो क्या कर रहे हैं। We're going to start with Lenovo. And we're going to use a Type-C to HDMI adapter and a regular USB cable. If you don't have a regular USB cable, you can take one of the KVM cables and you can pull apart the USB side from the HDMI side. Okay, so connect the USB. Connect USB. Our Type-C to HDMI and get the power cable. इसके में देखो, इसके लैपटॉप में क्या नहीं दिया हुआ? HDMI नहीं दिया। तो ये Type-C दिया हुआ। तो Type-C से क्या किया? HDMI केबल लगा लिया। और HDMI केबल से क्या करेगा? Power. Let's go ahead and put this over here. ठीक है? Next we have और एक लैपटॉप को क्या कर दिया? चार्जर दे दिया, पावर कनेक्ट कर दिया लैपटॉप। Our MacBook Pro. And here we have अब देखो ये MacBook है। Multi-port adapter with an HDMI and a USB. अब देखो इसने अपने लैपटॉप, इसके लैपटॉप में दिए नहीं है पोर्ट, तो एक कन्वर्टर यूज कर रहा है टाइप सी टू HDMI और USB, दिख रहा है? Yes, sir. Power for the Mac. No power दे दिया। It's connected. Let's put that over here. अब ये केबल्स कहाँ लग जाएंगी? इस KVM स्विच में। Finally, we have our mouse and. अब देखो ये ergonomic keyboard है इसके पास, ergonomic keyboard और माउस। ठीक है? Keyboard. So yes, sir. Plug this into the keyboard port.
अब ये क्या कर रहा है, ये कीबोर्ड और इसके जो कीबोर्ड माउस है वो कैसा है, वायरलेस वायरलेस। ये क्या लगा है, नैनो रिसीवर PC1। देखो PC1 की HDMI केबल और USB केबल लग गई, और ये PC2 की लग गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, इसके बाद we're gonna like the power for the power लगा देगा। Now that we've got everything, let's go ahead and open up. अब देखो दोनों लैपटॉप यूज करेगा एक ही मॉनिटर। And let's turn on the KVM. और अब सोचो इसके बाद लैपटॉप में उतना अच्छा, इतना बड़ा या मॉनिटर नहीं ना मिलेगा। नहीं सर। ओ सर। तो इसके मॉनिटर का साइज भी तो बड़ा हो गया। अब यूज करने में क्या होगा? जी। यूज करने में आसानी हो जाएगी। Here you can see we've got online 1 and online 2, which means we have USB connections. We have number 2 selected, which is going to be the Lenovo. देखो। Come here. अब देखो अभी कौन सा आया है, ये वाला, Lenovo वाला। You can see we've got mouse and keyboard, extended screen over here. देखो चला रहा है, तो यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, दिख रहा है, देखना। Here. Now if we want to switch over yes, to sir. Apple. ये देखो वहाँ बता रहे थे KVM switch में switch दिया होता, अब remote ना use करके क्या कर लो? कहते नहीं TV में आप remote क्यों use करते हो? TV में चाहो तो क्या use कर सकते हो? Switch. हाँ switch से भी तो कर सकते हो, लेकिन remote से convenient रहता, आसान रहता channel बदलना। इस तरह बार बार आपको TV के पास नहीं जाना पड़ेगा। Yes, sir. अब देखो अब कौन सा एक्सेस होने लगा, एप्पल वाला। Here we've got the extended screen. Okay, so we're going to go ahead and come back and show you how to set up the teleconferencing. समझ गया भाई? All right, so first बोलो। Yes, sir. तो KVM का यूज समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत धन्यवाद। अटेंडेंस नहीं लगाया। अब क्लास ओवर करेंगे, अटेंडेंस लास्ट में लगाते हैं भाई। अब कई लोगों को भागने की बीमारी थी ना। ठीक है, तो KVM स्विच समझ में आ गया आप लोग? चलिए अटेंडेंस लगा दें, फिर चला जाए घर, लेट हो गया बहुत। अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक आदित्य रहो। यस सर। अजय सर। अमरजीत सर। अर्जुन यस सर। एक मिनट यार, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें यार।